दोस्तों चैप्टर फर्स्ट और सेकंड आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपको आने भी लगा। आज हम थर्ड चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा। ये मेज वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को कैसे बताएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो, आपके घर में टेबल होगा, मेज होगी, खटिया होगा, तख्ता होगा, कुछ होगा ना, उस पर लैंप जला के हम लोग पढ़ते थे पहले के ज़माने में। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट हो गई है, डिवरी जिसे बोलते हैं, मतलब मिट्टी का तेल भरते थे कांच की शीशी में, उसमें ऊपर बाती लगा के जलाते थे, जैसे ये स्याही वाला है ना, ऐसे इसमें मिट्टी का तेल डाल के ऊपर जलता था, ऐसे रख देते थे, जलता रहता था, पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा दिखता था। आज के ज़माने में अब लोगों को दिखेगा नहीं उतनी लाइट में, ठीक ना, लेकिन हम लोग को बहुत मज़े से दिखता था क्योंकि वैसे खान पान भी होता था गाँव में, देहात में, है ना, मिलावट नहीं होती थी। तो दोस्तों फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ प्रैक्टिकल करिए और तब आपको समझ में आता है। देखिए, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये मान लो आपका स्टडी टेबल है, ठीक, इस पर ये लैंप रखा है, वैसे ये सैनिटाइजर है पतंजलि का, लेकिन ये लैंप है मान लो। अब आपको स्थिति बतानी है कि ये लैंप जो है इस टेबल मेज पे यानी मेज पे किस जगह पे यानी कैसे रखा है, तो कैसे बताओगे। देखो, आप ये बताओगे कि हम जिस साइड से बैठे हैं उधर से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है, ये 15 सेंटीमीटर की पटरी है ना, ठीक, और ये बाएं साइड से, ये लैंप बाएं साइड से कितना दूर है इसको आप नाप लोगे। ये देखो 15 और ये थोड़ा सा मतलब कम हो रहा है, मतलब 28 सेंटीमीटर। कहने का ये मतलब है कि ये लैंप हमारी तरफ से जिधर से हम बैठे हैं उधर से 15 सेंटीमीटर दूर है और बाएं तरफ से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। बाकी वैसे नहीं बताओगे कि रखा है बीच में, लेकिन कहाँ रखा है ज्योमेट्री में आपको करेक्ट बताना पड़ेगा ना। मतलब ये कहने का है कि हम जिधर से बैठे हैं हमारी साइड से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है और जबकि बाएं साइड से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। इस तरह से अगर यहाँ पे ये ना भी रहे, हटा भी दो, बाद में भी कोई लाके इस पर रख सकता है। कैसे, इधर से 15 नाप लो और इधर से 28 नाप लो, ऐसे, तो जहाँ पे ये जाके मिलेगा उसी जगह पे जाके रख देंगे। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सवाल नंबर दूसरा देखिए, क्लास 9th NCERT मैथ आप पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। कह रहा कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन समझने का एक फेर है बस। ये कहानी है एक प्रकार की, बहुत बड़ी कहानी है, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है, इसलिए समझो। अभी ये सिर्फ आधा क्वेश्चन लिखा है, अभी इतना और भी है दूसरा, ठीक है, कहानी समझो क्या है। कह रहा कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। भाई नगर बहुत से होते हैं, उसमें बहुत सारी सड़कें होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य सड़कें होती हैं जिन्हें हाईवे बोलते हैं, जो बहुत चौड़ी बड़ी होती हैं, बाकी छोटी मोटी गली मोहल्लों में सड़कें जाती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इस नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। केंद्र मतलब सेंटर, यानी कि जैसे मान लो एक शहर है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का जो मुख्य सेंटर है, जैसे मान लो संगम मान लो, तो वहाँ पर दो सड़कें क्या करती, मिलती हैं। आगे कह रहा है कि ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, मतलब एक सड़क ऐसे ऐसे है तो एक सड़क ऐसे गई है, बीच में एक जगह कट रहा जहाँ चौराहा बन रहा है। आगे समझो क्या है। कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। नगर की और जो सड़कें हैं इन दो सड़कों के समांतर, मतलब अगर एक सड़क ऐसे है तो दूसरी फिर ऐसे नहीं निलंबवत हो जाएगी, फिर ऐसे 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 और भी ढेर सारी सड़कें हैं, और इधर में भी बहुत सारी सड़कें ऐसे ऐसे अभी बना के दिखाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो, फिर अभी हम आपके सामने चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक, समांतर दूरी पर है। आगे कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब हर दिशा में लगभग 5 सड़क है। एक सेंटीमीटर को 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए। तो भैया देखो, कह रहा कि एक सेंटीमीटर को 200 मीटर मानना, अगर हम 200 मीटर डायरेक्ट खींचेंगे तो हमारा बोर्ड जो है ये 5 मीटर से ज़्यादा है ही नहीं, तो हम खींच पाएंगे नहीं, इसलिए क्या करेंगे, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, इसलिए जहाँ 200 मीटर खींचना वहाँ 1 सेंटीमीटर खींच देंगे, इतना बड़ा छोटा सा बस हो गया, उतने में आ जाएगा, ठीक।
तो चलिए अब हम चित्र बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? जल्दी करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, हम फिर आगे फिगर बना के आपको दिखाते हैं। अब ध्यान से समझना, ये मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूँ। ये है नगर की दो मुख्य सड़कें, एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। कहीं जब चित्र बनाते हैं तो ऊपर साइड उत्तर होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, याद रखना, ठीक? कहीं अगर कॉपी में फिगर बनाओगे या कहीं भी बनाओगे तो ऐसे माना जाता है। उसके बाद नॉर्थ यानी कि दाहिने, जो उत्तर है उसके दाहिने साइड हमेशा पूर्व होता है। दाहिने साइड क्या होता है? पूर्व होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है, जिसे वेस्ट बोलते हैं, उसे ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो क्वेश्चन फिर से आपको समझना पड़ेगा, मैंने लिखवा दिया था, मेरे पास है क्वेश्चन, आप लोग भी कॉपी खोल लो या फिर क्वेश्चन को लिख लो। अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो पीछे करके देख लो, क्वेश्चन बिना लिखे ये समझ में नहीं आएगा, चूंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, तो मिल भी गई केंद्र पर। आइए, दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिल रही, यहाँ पे आके मिल रही, ये क्या है? नगर का केंद्र है, ये सेंटर है। आगे जो कह रहा है वही करते जाओ, क्वेश्चन समझना, केंद्र पर मिल गई। आगे कह रहा कि ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, हो गया। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब इन्हीं सड़कों के समानांतर 200 मीटर दूरी पर हैं लगभग, और हर दिशा में 5 सड़क है। तो मतलब इधर भी 5 सड़क है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, चारों तरफ 5-5 सड़क है। तो चलो खींच लेते हैं, एक सड़क तो ये हो गई, हर दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं यहाँ से, मतलब 5 खींचो इस पे से, एक, देखो ध्यान से, दो, खींच लो फटाफट, तीन, इसी तरह से फिर चार, फिर पाँच। देखो अब हमने इसके समांतर 5 सड़क खींच दिया, नॉर्थ साउथ वाली जो सड़क थी इसके समांतर हमने 5 सड़क इधर खींच दिया, 5 इधर खींच दिया, इसके बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर माना गया है, मतलब मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और वास्तव में 200 मीटर है, ठीक है। देखो 5 सड़क हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई नॉर्थ साउथ के समांतर। लेकिन अभी एक ये जो सड़क थी ईस्ट वेस्ट, इसके भी समांतर 5 सड़क खींचना है, बोला था ना 5 सड़क है, तो चलो 5 खींचो, एक, देखो इस तरह से भैया सीधी सीधी रोड जाने चाहिए, टेढ़ा मेढ़ी नहीं होने चाहिए, सड़क सीधी सीधी है ना, तो ये रोड सीधा जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब देखो ध्यान दीजिए साथियों, ये 5-5 सड़कें हो गई हर एक साइड में, 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, 5 इधर, 5 इधर, ठीक। जो सड़कें ऐसे ऐसे हैं वो ईस्ट और वेस्ट के समानांतर हैं, और जो ऐसे ऐसे हैं वो क्या है, नॉर्थ और साउथ के समानांतर हैं। इतना हो गया, इसको एक मॉडल बनाना था, कह रहा था मॉडल हो गया। अब क्वेश्चन में आगे की कहानी सुनो, जो मैंने नहीं लिखा था उसको देखो, स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, आप देख लेना छोटा छोटा, नहीं तो आपके पास बुक होगी तो आप ले लेना, और हाँ नहीं तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं तेजी के साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं जो मैंने बना लिया था, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन दोनों मुख्य मार्गों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। ये हो गया, सब मैंने कर दिया इतना, ठीक। कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो मैंने इतना कहानी तो कर दिया, लेकिन अभी इतने में इसका पूरा हुआ नहीं, अभी आगे की कहानी सुनो। आगे कह रहा आपके मॉडल में एक से एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, हाँ है, बहुत सारा चौराहा है। देखो ये चौराहा, ये भी है, 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 बहुत सारे चौराहे हैं। क्यों भाई? जहाँ पर दो सड़कें इधर उधर काटेंगे वो चौराहा बन जाएगा, एक राह इधर को जा रही है, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, तो चौराहे कितना है इस तरह से, देखो खूब सारे चौराहे हैं, सही बात है ना, ये सब चौराहे हैं, जहाँ पर दो रास्ता एक जगह कट रही वो क्रॉस स्ट्रीट है, जिन्हें चौराहा बोला जाता है, क्रॉसिंग।
हाँ, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकती हैं। बिल्कुल है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में आती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, कह रहा कि यदि दूसरी सड़क, ध्यान से समझना, आप समझना क्या कह रहा है इसमें, वो समझना है, बहुत ध्यान समझो। फिर से कह रहा कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई एक से अधिक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। इतने में कुछ नहीं समझना, बिल्कुल है, ये हो सकता है। अब समझना, कह रहा कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। कौन सी है, अभी उसके लिए पूरी कहानी सुनो तब समझ में आएगा। दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ठीक, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। मतलब एक उत्तर दक्षिण में है, दूसरी पूर्व पश्चिम में है। ये कोई क्रॉसिंग के बारे में बात कर रहा है जो स्पेशल है। अभी देखो आगे कौन सी है, वो स्पेशल आपके सामने आ जाएगी। फिर आगे कह रहा है, हाँ, जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा है ये, और दूसरी सड़क, दूसरी सड़क मतलब कौन सी, देखो दूसरी सड़क, एक तो ये मुख्य सड़क थी और ये एक उसकी नॉर्मल वाली सड़क थी। अब दूसरी सड़क का मतलब ये दूसरी हो जाएगी कि ये होगी, सोचो ये दूसरी होगी कि ये होगी। भाई देखो इसको अगर समझने की कोशिश करो तब इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए दूसरी सड़क के लिए आप मुख्य सड़क को पहली सड़क नहीं मानोगे, याद रखना, ठीक। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, देखो, कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी मतलब ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क, ठीक है, ये सड़क है कोई, कौन सी है, ये दूसरी सड़क है, कह रहा उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ये दूसरी है, उत्तर दक्षिण यही तो है ना, तो यहाँ से ये तो मुख्य सड़क है, ये पहली है, दूसरी है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क कह रहा है कि पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, पांचवी सड़क, अब पांचवी किधर से, पूर्व पश्चिम दिशा में बोल रहा है, पांचवी सड़क, ध्यान से देखो ये पूर्व पश्चिम है। अब पांचवी सड़क कह रहा है पूर्व पश्चिम में जाती है, तब हम इसे 2.5 बोलते हैं। तो देखो ये नीचे हो नहीं सकती है क्योंकि नीचे माइनस हो जाएगा, आप पढ़े हो ना निर्देशांक ज्यामिति में शुरू में, अभी बताएंगे उसको, ठीक है। तो नीचे ये पांचवी सड़क हो नहीं सकती, पांचवी सड़क होगी तो इसी में ऊपर ही होगी, इधर भी नहीं हो सकती क्योंकि इधर x माइनस हो जाएगा, ठीक, इधर अगर आएगा नीचे तो y माइनस हो जाएगा। जबकि कह रहा है जिसे 2.5 कहेंगे, मतलब प्लस में बोल रहा है ना, तो प्लस में इसी में हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं हो सकता है। तो पांचवी सड़क किधर से, ये मुख्य सड़क से ऊपर पांचवी सड़क, एक दो, देखो यहीं से गिन लो चाहे, ये पहली सड़क है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब ऊपर वाली, और इधर ये यहाँ पे इस पे मिला था ना, ये मतलब यहाँ, इसको तो मैं वैसे बताया था सड़क के लिए, बाकी ये जरूरी नहीं था कि यहीं पे आके मिलेगा। कहने का मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे, ये बोल रहा है ऐसा, क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे, ठीक। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, आपको दिखाना नहीं 2.5, समझना है। अभी आपसे इसी आधार पे और भी कुछ पूछ रहा है, जैसे कहते हैं ना, यदि बिल्ली को ऊंट कहा जाए, ऊंट को शेर कहा जाए, तो भालू को क्या कहा जाएगा, वैसे है, ठीक। अब आगे देखो, कह रहा इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है। जो परंपरा मैंने बताया कि 2.5 जो है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पे क्यों होगा, चूंकि x पे 2, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x पे 2, 2 मतलब 1, 2, ये 2 और ये 5 है। इसी परंपरा पर ये बताइए कि 4.3 है वो कितनी जगह पर हो सकता है। भैया 4.3 कितनी जगह हो सकता है, x पे 4 मतलब चौथी सड़क, चलो x इधर है ना, चौथी सड़क को भी प्लस में, इधर नहीं आएंगे, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा x, इधर ही प्लस होता है। चिन्ह के बारे में अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, एक अलग से वीडियो देंगे, ठीक। देखो साथियों करना क्या है, इधर साइड में क्या कह रहा है, 4.3 ना,
तो चार सड़क गिनो इधर साइड में, चार सड़क प्लस साइड में, ठीक। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। भैया सड़क तो यही है, अब कहाँ पे होगा ये नहीं पता, अभी जहाँ होगा मिल जाएगा। चार का मत तीन, चार यक्स पे और तीन वाई पर, तो यहीं से तीन ऊपर चलो, एक दो तीन, मतलब यहाँ पर ये है चार का मत तीन। ये क्या है चार का मत तीन जहाँ मैं घेरा हूँ। ये पूछा था कि कितनी जगह चार कामा तीन लिखा जा सकता है, कितने ऐसे चौराहे होंगे जिसपे हम चार कामा तीन लिख सकते हैं, ये बताओ कोई और ऐसा चौराहा है। हर एक चौराहे का अपना मुख्य मान होगा, हर एक का, प्रत्येक का। ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रयागराज इलाहाबाद से हो तो मैं वहाल चौराहा, सुभाष चौराहा को, महात्मा गांधी मार्ग को आप सरदार पटेल मार्ग बता दोगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। मतलब आप जो चौराहा है हर किसी का मुख्य मुख्य अपना अपना मान है, समझ रहे हो ना। जैसे जो इलाहाबाद से होंगे उनको मालूम होगा बालसन चौराहा है तो उसे सुभाष चौराहा नहीं बोल सकते हो, है ना। मेवहाल है तो उसे आप बालसन नहीं बोल सकते हो। तो उसी तरह से जो चौराहे हैं सबका अपना अपना मान है। तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या होगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को फोर कामा तीन माना जा सकता है, इसका उत्तर लिखोगे एक। सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम फोर कामा तीन मान सकते हैं और किसी को नहीं। कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को तीन कामा चार माना जा सकता है, तीन कामा चार मतलब यक्स पर तीन, वाई पर चार। तो यक्स पे तीन, इधर यक्स है तीन, मतलब एक दो तीन, ये यहाँ है तीन, ठीक। ये मैं रोड का चिन्ह लगा रहा हूँ बस, बाकी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ अभी। वाई पर चार, यहीं से चार चलो, एक दो तीन चार, मतलब यहाँ, यहाँ क्या है भैया ये तीन कामा चार। पूछ रहा था कितनी क्रॉस स्ट्रीट को तीन कामा चार लिख सकते हो, इसका भी उत्तर होगा एक। सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम तीन कामा चार लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों, अगर कोई सोचे कि इस पे क्या लिखेंगे, चलो इस पे क्या लिखेंगे, वाई वाला तो चार ही है, गिनो एक दो तीन चार, वाई वाला तो चार ही रहेगा, लेकिन एक्स वाला बदल जाएगा। कैसे, यहाँ से गिनो एक दो, और यहीं पे है ना, या यहाँ से गिन लो चाहे, देखो एक दो, ये भाई एक हो गया है दो ना, इस पे दो कामा चार बनेगा, क्या बनेगा दो कामा चार, इस पर एक कामा चार बनेगा। ये पूछा नहीं था लेकिन मैं अपने बता दे रहा हूँ, ठीक। इस पर करोगे तो यक्स वाला शून्य हो जाएगा, कितना भी नहीं बढ़ रहा कुछ भी, तो ये जीरो कामा चार होगा। चाहे सब का बना लो, हर एक चौराहे का माना जाएगा अपना अपना। अगर इस पे बोले तो इस पे देखो यक्स पे कितना चल रहा है, इधर एक और ये एक दो तीन, तीन कामा चार होगा, तीन कामा चार सही है, गलत है, ये पहले पर है, यक्स पे एक है, यक्स पर एक है। वाई पर देखो ये मुख्य सड़क है ना, वाई पर देखो ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर है, मतलब वन कामा तीन होगा, समझ गए ना। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो चिन्ह वाला कांसेप्ट समझना होगा, ये किधर माइनस होता किधर प्लस होता है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक ना। क्योंकि हम जानते हैं यार, देखो जो संख्याएं होती, संख्या रेखा आपने देखा होगा, उस पर दाहिनी साइड सभी संख्याएं प्लस होती हैं, प्लस वन प्लस टू प्लस तीन प्लस चार, ऐसे ऐसे देखा होगा ना। इधर साइड माइनस होती है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इधर नीचे भी माइनस होती है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर होता है ना, ऊपर फिर प्लस होता है, प्लस वन प्लस टू प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच, ऐसे होता है। तो भैया अगर ऊपर चलोगे तो प्लस जाएगा मान, इधर जाओगे तो प्लस जाएगा, लेकिन नीचे आओगे या इधर जाओगे तो माइनस आएगा, इसलिए इस चतुर्थांश का मान प्लस प्लस होता है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन अभी तक हो चुका था, क्वेश्चन अभी तक हो चुका था। हाँ, जो लोग लिखना चाहते हैं मैं उनको बता दूँ, ध्यान से सुनो, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। आपको ये बनाना ऐसे ही है जैसे सब बना है, और सिर्फ ये लिखना है और ये लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये जो मैंने बताया ये और ये चिन्ह उन कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ वही जो रेड कलर घेरा हूँ उतना लिख लो बस, इसको पूरा बना के रेड कलर वाला जो घेरा हूँ उतना लिख लेना, बाकी कुछ आपको लिखना नहीं है। जो स्टूडेंट है नाइन्थ वाले और जिनको समझना था उनको तो पूरा देखना है, समझ लें वो बस, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, समझाने में थोड़ा टाइम भले लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो कहानी एक प्रकार से। तो साथियों ज्यामिति के बारे में आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसमें विशेष महत्वपूर्ण एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर चैप्टर भी करवाएंगे। आपको पता है कि चैप्टर का जो है 3.1 आपने पढ़ लिया है, कुछ काफ़ी जो है इसमें पढ़ लिया है 3.12 में जो भी है, तो उसके आगे वाला चैप्टर हम करवाएंगे, लेकिन उसके पहले पहले ये सब चीज़ देख लो, ठीक है। 3.1 आप पढ़ लियो, 3.2 करवाना है, लेकिन 3.2 के पहले ये ज़रूरी है। साथियों पहले तो आप वर्ड समझिए, शब्दों को समझिए, उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। मुख्य रूप से एक है कार्तीय तल,
कार्तिक तल ही इसका मेन जो है वो कप्तान है एक प्रकार से, मतलब मॉनिटर है इस सिस्टम का पूरे, ठीक है। तो कार्तिक तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो वहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है क्योंकि इसका भी काम लगेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कार्तिक तल को दोस्तों बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, देखो लिखा है ना इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं आप समझ लेना, क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसके अलावा चतुर्थांश, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ये चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड, फोर्थ, इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष मतलब जैसे ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष है ना अक्ष, इसमें तो इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, वैसे तो अक्ष को अकेले एक्सेस बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक। फिर अभी प्रयोग होगा भुज और कोटि, भुज और कोटि का मतलब जानते हो, जो यक्ष के मतलब सापेक्ष मान होगा वो भुज होगा, उसे यक्ष से प्रदर्शित करेंगे, जो वाई के सापेक्ष होगा उसे कोटि बोलेंगे वाई से, ठीक है। तो इंग्लिश में भुज को एब्सेसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये आप नोट कर लो क्योंकि हिंदी इंग्लिश का आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान इसमें होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे कि मूल बिंदु क्या होती है इसमें, ऑरिजिन जिसे बोलते हैं, और फिर भुज क्या है, ये कोटि क्या है, इन शब्दों का परिभाषा हम देखेंगे, इनसे आपको परिचय करवाएंगे ये हैं क्या। पहले तो आपने शब्दों को देख लिया, चलिए अब एक एक हम आपको लिखवाते हैं। इसमें पहला आता है मुख्य रूप से मूल बिंदु। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, इसे इंग्लिश में ऑरिजिन बोलते हैं दोस्तों। यक्ष और वाई यक्ष जिस जगह पर एक दूसरे को लंबवत काटते हैं उसी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में ऑरिजिन बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लो, ये यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष है ना, ये भाई ऐसे गया यक्ष अक्ष ना, और ये वाई अक्ष है, ये जहाँ पर दोनों कट रहा है बीच में, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, कितना होता है 0,0 इसका निर्देशांक होता है मूल बिंदु का, क्योंकि उस पर यक्ष भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, यहीं से यक्ष की शुरुआत होती है, यहीं से वाई की भी शुरुआत होती है। यक्ष यहाँ से इधर दाहिन प्लस साइन में जाता है, मतलब प्लस में, इधर वाई जो है प्लस में जाता है ऊपर, इधर नीचे एक्स माइनस में आता है, इधर वाई माइनस में जाता है, मतलब सब कुछ यहीं से मैनेज होता है, यही इसका क्या होता है केंद्र होता है, एक प्रकार से मान लो ये राजधानी होती है, ठीक है। लेकिन राजधानी वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये मूल बिंदु है गणित की भाषा में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अक्ष क्या होता है, अक्ष तो आप जानते हो ऐसे, अभी बात आ जाएगी किसी ना किसी टॉपिक में, पहले देख लो भुज क्या होता है, अगला हेडिंग डालो भुज। भुज को अभी मैंने इंग्लिश में लिखा था ना एब्सेसिया, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मूल बिंदु से यक्ष अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं। देखो ऐसे समझ लो बुक में क्या लिखा है, मूल बिंदु से सॉरी वाई अक्ष की लंबवत दूरी को यक्ष निर्देशांक या भुज कहते हैं। मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी, देखो मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष के लंबवत। अब वाई अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष तो ये है ना भाई, ये वाई अक्ष है ना, लंबवत, लंबवत मतलब अगर कोई ये रेखा इसके लंबवत बोलें तो लंबवत का मतलब ऐसे, मतलब उसको काटे जो, समझ रहे हो ना, अगर हमने ये रेखा इसे खींचा था अगर ऐसे उसके बगल खींचेंगे तो समांतर हो जाएगी, इन दोनों को समांतर रेखा बोलते हैं। लंबवत का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करें, है ना, प्रतिच्छेदित करें जिसे बोलते हैं। तो मूल बिंदु से क्या कह रहा है, देखो फिर से, मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी को, तो भैया वाई अक्ष ये है, लंबवत इसका कब होगा, ये क्या है लंबवत है, ये सब लंबवत है, ये सब वाई अक्ष के लंबवत है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भुज बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष का निर्देशांक बोलते हैं। जैसे अभी गिनती हम लिखें, अभी आपको लिख के दिखाएंगे, इधर गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ती जाती है ना, इधर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है ऊपर साइड में, नीचे माइनस होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो है वो क्या है, थोड़ा विस्तार से समझ लो, मान लो कि मैंने इसको यहाँ से मिलाया और इसको भैया ये 3 वाला यहाँ से मिलाया, यहाँ पे ना, यहाँ आके मिल रहा है ना, ये 3 वाला यहाँ आ रहा है, ये 4 वाला जा रहा है। अब यहाँ पर एक बिंदु बनेगा 4,3 बनेगा, इसमें से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखो 4,3 का मतलब क्या है पता है आपको, ये इस बिंदु का निर्देशांक है, इस बिंदु का निर्देशांक है, मान लो इसका मैंने नाम लिख दिया बी, तो बी का निर्देशांक क्या है 4,3। इसमें अब समझो, इसमें भुज क्या है,
अभी मैंने बताया था जो वाई एच के लंबवत दूरी है वो भुज है। तो भैया वाई एच ये है, वाई एच ये है ना, इसके लंबवत दूरी कौन सी है? इसके लंबवत ऐसे है ना, ऐसे वाली, इधर वाली ना। तो ये कितना है देखो, एक दो तीन चार, ये चार वाली गई है ना लाइन भाई, ये इतना बड़ी है लेकिन कितना बड़ी है, चार के सीधे तक बड़ी है ना। अगर ये यहीं खत्म हो गई होती तो तीन होता इसका मान, लेकिन यहाँ तक गई तो चार के सीधे तक आई, मतलब चार, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो भुज क्या है, चार है। ठीक इसी तरह से कोटि की जो परिभाषा है इसके उल्टी हो जाएगी। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे ऐसे कहोगे मूल बिंदु की यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी, मूल बिंदु की यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी। तो भैया यक्ष अक्ष ये है, ये यक्ष अक्ष गया ना, ये यक्ष अक्ष है, इसकी लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं। लंबवत मतलब जो ऐसे जाए, ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक आप समझना, लंबवत दूरी किसके, यक्ष अक्ष के लंबवत ना, क्या बोल रहा है, यक्ष अक्ष से दूरी, हाँ मूल बिंदु की यक्ष अक्ष से दूरी, जैसे मैंने अभी उसमें बताया था लंबवत दूरी ना। तो अब इसमें समझो, जैसे अब इसमें अगर देखा जाए तो भैया यक्ष अक्ष के लंबवत दूरी कितना चली है, यक्ष अक्ष के लंबवत दूरी कितना चली है, तीन ना। देखो ये लंबवत दूरी यक्ष अक्ष है ना, ये लंबवत इधर से जाएगा तो इधर से भी तो आएगा लंबवत यक्ष अक्ष के, क्योंकि यक्ष अक्ष तो यही है ना, तो इधर से जाएगी तब भी लंबवत होगी, अब इधर से भी तो रेखा आ सकती लंबवत ऐसे, ये भी तो लंबवत है ना। तो अब देखो जो चार कमा तीन लिखा था इसमें तीन, भाई ये बिंदु तक हम कितना गए थे ऊपर, ये लंबाई कितना है कैसे जानेंगे बोलो, ये जिस पे मैं मारकर रगड़ रहा हूँ ये कितना है कैसे जानोगे, इसके लिए आप ये गिनती करोगे, यहाँ से जो गिनती है, ऐसा तो नहीं यहाँ कुछ गिनोगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, ऐसे मान लो कि हमें छत की ऊंचाई ज्ञात करना है, छत की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऐसा तो नहीं हम बीचों बीच में जहाँ खड़े हैं यहीं पर से छत को नाप लेंगे हाँ कितना ऊंचा है, ये थोड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम दीवार नाप लें वहाँ से, क्या नाप लें, दीवार, दीवार नाप लें छत तक ऊपर, तो आप समझ जाओगे कितना ऊंचा छत है ना, क्योंकि छत और दीवार जो है एक ही में ऊपर जाके टच है ना। तो आप क्या नापोगे, दीवार नापना आसान होगा कि बीचों बीच में खड़े होकर नापोगे जहाँ पंखा लगा है, वहाँ से नापना मुश्किल होगा ना। मान लो फीता पे नाप रहे हो, फीता आपने देखा होगा उसमें सेंटीमीटर में लिखा होता ना, ऐसे गोला गोला होता है, जो लोग घर वगैरह बनाते हैं या टेलर वगैरह जो कपड़ा सिलते हैं उसमें लिखा होता ना मीटर, सेंटीमीटर लिखा होता है, जिससे लोग लंबाई वगैरह नापते हैं, फीता टाइप का निकलता है ना। तो उससे अगर बीच में खड़े होकर छत की ऊंचाई नापोगे मुश्किल हो जाएगी, लेकिन दीवार नापोगे तो आसान होगा दीवार से। तो उसी तरह इसमें यहाँ से नापना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम यहाँ से इसकी तुलना करते हैं क्योंकि ये लाइन इसी लाइन के इतने बराबर है ना, है ना। तो जब यहाँ पे तीन है तो इसका मतलब ये भी तीन के बराबर है ना। तो यानी कि जो कोटि है ये कितना है, तीन है, इसे क्या बोलते हैं, कोटि, कोटि नहीं बोलते हैं, कोटि, टापे छोटी मंत्र रहता है, समझ गए ना। तो ये हो गया भैया आपका भुज, कोटि, मूल बिंदु हो गया, निर्देशांक हो गया, अच्छा हो गया। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, याद रखना कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब जैसे आपने अभी सीख लिया भुज, कोटि, मूल बिंदु वगैरह जो भी है, तो अब इसमें थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये सभी मैंने जो ये खाना टाइप का नक्शा टाइप का बनाया है, मान लेते हैं इनका नामकरण कर लेते हैं, ये बी है। अब आपसे पूछा जाए कि बी का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको बताना होगा बी का निर्देशांक क्या होगा। उसके लिए ध्यान से समझो, मैं एक दो बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करके और कमेंट करना, ठीक है। अगर आपने ऐप में क्लास लिया है तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। हम गारंटी लेते हैं आपको पूरा मैथ आएगी, यूट्यूब पे सारी क्लास फ्री मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप अपने खूब दोस्तों को शेयर करिए और ढेर सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए जैसे इसका निर्देशांक हमें निकालना है, मतलब हमें यक्स कामा वाई इसके पद में निकालना है। तो पहले इस पे देखो यक्स का मान कितना होगा, हमने कहा था यक्स का मान वो होगा जो वाई एच के लंबवत होगा। तो वाई एच के लंबवत मतलब कौन सी रेखा है, ये वाई एच के लंबवत होगी ना भाई, वाई तो यही है ना, वाई तो ये सीधा वाला है, तो इसके लंबवत ये जो ये रेखा है ये लंबवत है इधर ना, तो मतलब ये रेखा, ये यानी यहाँ बोले तो ये कितना चल रही है, देखो कितना चल रही है। अब यहाँ से जो मैंने बताया था छत वाला दीवार वाला, वैसे समझो ये चार तक आ रही ना, चार तक, तो यानी यक्ष का मान क्या है, चार है भाई, चार तक आ रही यक्ष पे चार है। वाई की अगर बात करें तो वाई कितना है, वाई की अगर बात करें ध्यान से देखो, वाई कितना है, ऊपर को जा रही ना वाई, ये कितना है, तीन पे आ रही ना, मतलब कितना है, तीन है, यानी इसका मान कितना हो गया, चार का मतीन, ये निर्देशांक हो गया चार का मतीन। अगर हम बात करें यहाँ, मान लो मैंने सी लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया ई, और यहाँ पर लिख दिया जेड, अब ध्यान दो तो इसका मतलब क्या है, सी का निर्देशांक क्या होगा, सोचो यक्ष पे कितना चल रहा है, यक्ष पे मतलब इधर साइड तीन चल रहा है ना,
कितना 1, 2, 3 चल रहा है ना, यानी यक्स कामा वाई, मतलब यक्स का मान कितना 3 ना, वाई पे कितना चल रहा है, वाई मतलब नीचे को आ रहा है ना, नीचे को आ रहा है ना 3, यक्स पे गया, वाई कितना, अरे यार ऐसे देख लो 1, 2, 3, 4 चौथे पे चल रहा है ना, मतलब वाई वाला 4 तक आया ना, माइनस लेकिन नीचे रहेगा याद रखना, तो 3, -4 अगर इसमें बोले भुज कितना है तो भुज बराबर 3 और कोटि बराबर -4 ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे, इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया था भुज और कोटि क्या होता है, इंग्लिश में आप समझ गए होंगे दोस्तों, इंग्लिश में एब्सिसा इसे बोलते हैं और उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। तो इस क्लास में इतना ही, आप लोग ये दोनों बिंदु ई और जेड इनका मान कमेंट करके बताना, अगर आपने क्लास लिया है तो आप उसे व्हाट्सएप पे भेजना ठीक है ना। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, आपसे निवेदन होगा इस क्लास को अगर आप डेमो के रूप में यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और रेगुलर क्लास देखें, कंप्लीट क्लास आपको मिलेगी और आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको कहीं कोचिंग नहीं पढ़ना होगा, फ्री आप पढ़ पाएंगे घर बैठे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्लास को शेयर करें। जय हिंद। और हाँ, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आप अगली क्लास भी देख पाए। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में, मैं राजकुमार आपकी 9th की मैथ लेकर के। दोस्तों चैप्टर 1st और 2nd आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आपको आने भी लगा, आज हम 3rd चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा। ये मेज वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को कैसे बताएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो, आपके घर में टेबल होगा, मेज होगी, खटिया होगा, तख्ता होगा, कुछ होगा ना, उस पर लैंप जला के हम लोग पढ़ते थे पहले के ज़माने में, आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट हो गई है, ढीवरी जिसे बोलते हैं, मतलब मिट्टी का तेल भरते थे कांच की शीशी में, उसमें ऊपर बाती लगा के जलाते थे, जैसे ये स्याही वाला है ना, ऐसे इसमें मिट्टी का तेल डाल के ऊपर जलता था, ऐसे रख देते थे, जलता रहता था, पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा दिखता था, आज के ज़माने में अब लोगों को दिखेगा नहीं उतनी लाइट में, ठीक ना, लेकिन हम लोग को बहुत मज़े से दिखता था क्योंकि वैसे खान पान भी होता था गाँव में, देहात में, है ना, मिलावट नहीं होती थी। तो दोस्तों फिलहाल क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ प्रैक्टिकल करिए और तब आपको समझ में आता है। देखिए ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये मान लो आपका स्टडी टेबल है ठीक, इस पे ये लैंप रखा है, वैसे ये सैनिटाइजर है पतंजलि का, लेकिन ये लैंप है मान लो। अब आपको स्थिति बतानी है कि ये लैंप जो है इस टेबल मेज पे यानी मेज पे किस जगह पे यानी कैसे रखा है, तो कैसे बताओगे। देखो आप ये बताओगे कि हम जिस साइड से बैठे हैं उधर से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है, ये 15 सेंटीमीटर की पटरी है ना ठीक, और ये बाएं साइड से, ये लैंप बाएं साइड से कितना दूर है इसको आप नाप लोगे, ये देखो 15 और ये थोड़ा सा मतलब कम हो रहा है, मतलब 28 सेंटीमीटर। कहने की ये मतलब है कि ये लैंप हमारी तरफ से जिधर से हम बैठे हैं उधर से 15 सेंटीमीटर दूर है और बाएं तरफ से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। बाकी वैसे नहीं बताओगे कि रखा है बीच में, लेकिन कहाँ रखा है ज्योमेट्री में आपको करेक्ट बताना पड़ेगा ना। मतलब ये कहने का है कि हम जिधर से बैठे हैं हमारी साइड से ये लैंप 15 सेंटीमीटर दूर है और जबकि बाएं साइड से ये 28 सेंटीमीटर दूर है। इस तरह से अगर यहाँ पे ये ना भी रहे, हटा भी दो, बाद में भी कोई लाके इस पर रख सकता है। कैसे, इधर से 15 नाप लो और इधर से 28 नाप लो, ऐसे, तो जहाँ पे ये जाके मिलेगा उसी जगह पे जाके रख देंगे। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 2 देखिए, क्लास 9th NCERT मैथ आप पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 कह रहा कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, उसके पहले मैं आपको बता, बड़ा है थोड़ा क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन समझने का एक फेर है बस, ये कहानी है एक प्रकार की, बहुत बड़ी कहानी है, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है, इसलिए समझो। अभी ये सिर्फ आधा क्वेश्चन लिखा है, अभी इतना और भी है दूसरा, ठीक है, कहानी समझो क्या है। कह रहा कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, भाई नगर बहुत से होते हैं, उसमें बहुत सारी सड़कें होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य सड़कें होती हैं जिन्हें हाईवे बोलते हैं, जो बहुत चौड़ी बड़ी होती हैं, बाकी छोटी मोटी गली मोहल्लों में सड़कें जाती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इस नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, केंद्र मतलब सेंटर, यानी कि जैसे मान लो एक शहर है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का जो मुख्य सेंटर है, जैसे मान लो संगम मान लो, तो वहाँ पर 2 सड़कें क्या करती, मिलती हैं। आगे कह रहा है कि ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण
की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, मतलब एक सड़क ऐसे ऐसे है तो एक सड़क ऐसे गई है, बीच में एक जगह कट रहा जहाँ चौराहा बन रहा है, आगे समझो क्या है। कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। नगर की और जो सड़कें हैं इन दो सड़कों के समांतर, मतलब अगर एक सड़क ऐसे है तो दूसरी फिर ऐसे नहीं नहीं लंबवत हो जाएगी, फिर ऐसे 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 और भी ढेर सारी सड़कें हैं, और इधर में भी बहुत सारी सड़कें ऐसे ऐसे अभी बना के दिखाएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो, फिर अभी हम आपके सामने चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक। समांतर दूरी पर है, आगे कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब हर दिशा में लगभग 5 सड़क है। एक सेंटीमीटर को 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए। तो भैया देखो, कह रहा कि एक सेंटीमीटर को 200 मीटर मानना, अगर हम 200 मीटर डायरेक्ट खींचेंगे तो हमारा बोर्ड जो है ये 5 मीटर से ज़्यादा है ही नहीं, तो हम खींच पाएंगे नहीं, इसलिए क्या करेंगे 200 मीटर को एक सेंटीमीटर मान लेंगे, इसलिए जहाँ 200 मीटर खींचना वहाँ एक सेंटीमीटर खींच देंगे, इतना बड़ा छोटा सा बस हो गया, उतने में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम चित्र बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, हम फिर आगे फिगर बना के आपको दिखाते हैं। अब ध्यान से समझना, ये मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूँ। ये है नगर की दो मुख्य सड़कें, एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, कहीं जब चित्र बनाते हैं तो ऊपर साइड उत्तर होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, याद रखना, ठीक। कहीं अगर कॉपी में फिगर बनाओगे या कहीं भी बनाओगे तो ऐसे माना जाता है। उसके बाद नॉर्थ यानी कि दाहिने, जो उत्तर है उसके दाहिने साइड हमेशा पूर्व होता है। दाहिने साइड क्या होता है? पूर्व होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है, जिसे वेस्ट बोलते हैं उसे ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो क्वेश्चन फिर से आपको समझना पड़ेगा, मैंने लिखवा दिया था, मेरे पास है क्वेश्चन, आप लोग भी कॉपी खोल लो या फिर क्वेश्चन को लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो पीछे करके देख लो, क्वेश्चन बिना लिखे ये समझ में नहीं आएगा, चूंकि ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, तो मिल भी गई केंद्र पर, आइए दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिल रही, यहाँ पे आके मिल रही, ये क्या है? नगर का केंद्र है, ये सेंटर है। आगे जो कह रहा है वही करते जाओ, क्वेश्चन समझना, केंद्र पर मिल गई। आगे कह रहा कि ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, तो ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, हो गया। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, मतलब इन्हीं सड़कों के समानांतर 200 मीटर दूरी पर हैं लगभग, और हर दिशा में 5 सड़क है, तो मतलब इधर भी 5 सड़क है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, चारों तरफ 5-5 सड़क है। तो चलो खींच लेते हैं, एक सड़क तो ये हो गई, हर दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं यहाँ से, मतलब 5 खींचो इस पे से, एक, देखो ध्यान से, दो, खींच लो फटाफट, तीन, इसी तरह से फिर चार, फिर पाँच। देखो अब हमने इसके समांतर 5 सड़क खींच दिया, नॉर्थ साउथ वाली जो सड़क थी इसके समांतर हमने 5 सड़क इधर खींच दिया, 5 इधर खींच दिया, इसके बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर माना गया है, मतलब मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और वास्तव में 200 मीटर है, ठीक है। देखो 5 सड़क हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गई नॉर्थ साउथ के समांतर, लेकिन अभी एक ये जो सड़क थी ईस्ट वेस्ट, इसके भी समांतर 5 सड़क खींचना है, बोला था ना 5 सड़क हैं, तो चलो 5 खींचो, एक, देखो इस तरह से भैया सीधी सीधी रोड जाने चाहिए, टेढ़ा मेढ़ी नहीं होने चाहिए, सड़क सीधी सीधी है ना, तो ये रोड सीधा जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब देखो ध्यान दीजिए साथियों, ये 5-5 सड़कें हो गई हर एक साइड में, 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, 5 इधर, 5 इधर, ठीक। जो सड़कें ऐसे ऐसे हैं वो ईस्ट और वेस्ट के समानांतर हैं, और जो ऐसे ऐसे हैं वो क्या है, नॉर्थ और साउथ के समानांतर हैं। इतना हो गया, इसको एक मॉडल बनाना था, कह रहा था मॉडल हो गया। अब क्वेश्चन में आगे की कहानी सुनो, जो मैंने नहीं लिखा था उसको देखो, स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, आप देख लेना छोटा छोटा, नहीं तो आपके पास बुक होगी तो आप ले लेना, और हाँ नहीं तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं तेजी के साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ।
कह रहा कि एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं जो मैंने बना लिया था, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन दोनों मुख्य मार्गों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। ये हो गया, सब मैंने कर दिया इतना ठीक। कह रहा कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो मैंने इतना कहानी तो कर दिया, लेकिन अभी इतने में इसका पूरा हुआ नहीं, अभी आगे की कहानी सुनो। आगे कह रहा आपके मॉडल में एक से एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, हाँ है, बहुत सारा चौराहा है। देखो ये चौराहा, ये भी है, 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 बहुत सारे चौराहे हैं। क्यों भाई, जहाँ पर दो सड़कें इधर उधर काटेंगे वो चौराहा बन जाएगा। एक राह इधर को जा रही है, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, तो चौराहे कितना है इस तरफ है, देखो खूब सारे चौराहे हैं। सही बात है ना, ये सब चौराहे हैं जहाँ पर दो रास्ता एक जगह कट रही, वो क्रॉस स्ट्रीट है जिन्हें चौराहा बोला जाता है, क्रॉसिंग। हाँ, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकती हैं, बिल्कुल हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में आती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, कह रहा कि यदि दूसरी सड़क, ध्यान से समझना, आप समझना क्या कह रहा है इसमें, वो समझना है, बहुत ध्यान समझो फिर से। कह रहा कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई एक से अधिक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकते हैं। इतने में कुछ नहीं समझना, बिल्कुल है, ये हो सकता है, अब समझना। कह रहा कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, कौन सी है अभी उसके लिए पूरी कहानी सुनो तब समझ में आएगा। दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ठीक, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। मतलब एक उत्तर दक्षिण में है, दूसरी पूर्व पश्चिम में है। ये कोई क्रॉसिंग के बारे में बात कर रहा है जो स्पेशल है, अभी देखो आगे कौन सी है, वो स्पेशल आपके सामने आ जाएगी। फिर आगे कह रहा है हाँ जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा है ये, और दूसरी सड़क, दूसरी सड़क मतलब कौन सी, देखो दूसरी सड़क, एक तो ये मुख्य सड़क थी और ये एक उसकी नॉर्मल वाली सड़क थी। अब दूसरी सड़क का मतलब ये दूसरी हो जाएगी कि ये होगी, सोचो ये दूसरी होगी कि ये होगी। भाई देखो इसको अगर समझने की कोशिश करो तब इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए दूसरी सड़क के लिए आप मुख्य सड़क को पहली सड़क नहीं मानोगे, याद रखना ठीक। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, देखो कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी मतलब ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क, ठीक है, ये सड़क है कोई, कौन सी है, ये दूसरी सड़क है, कह रहा उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ये दूसरी है, उत्तर दक्षिण यही तो है ना, तो यहाँ से ये तो मुख्य सड़क है, ये पहली, ये दूसरी है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क कह रहा है कि पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है पांचवी सड़क। अब पांचवी किधर से, पूर्व पश्चिम दिशा में बोल रहा है पांचवी सड़क, ध्यान से देखो ये पूर्व पश्चिम है। अब पांचवी सड़क कह रहा पूर्व पश्चिम में जाती है, तब हम इसे 2.5 बोलते हैं, तो देखो ये नीचे हो नहीं सकती है क्योंकि नीचे माइनस हो जाएगा, आप पढ़े हो ना निर्देशांक ज्यामिति में शुरू में, अभी बताएंगे उसको ठीक है। तो नीचे ये पांचवी सड़क हो नहीं सकती, पांचवी सड़क होगी तो इसी में ऊपर ही होगी, इधर भी नहीं हो सकती क्योंकि इधर एक्स माइनस हो जाएगा ठीक, इधर अगर आएगा नीचे तो वाई माइनस हो जाएगा, जबकि कह रहा है जिसे 2.5 कहेंगे मतलब प्लस में बोल रहा है ना, तो प्लस में इसी में हो सकता है बाकी और कहीं नहीं हो सकता है। तो पांचवी सड़क किधर से, ये मुख्य सड़क से ऊपर पांचवी सड़क, एक दो देखो यहीं से गिन लो चाहे, ये पहली सड़क है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मतलब ऊपर वाली, और इधर ये यहाँ पे इस पे मिला था ना, ये मतलब यहाँ
इसको तो मैं वैसे बताया था सड़क के लिए, बाकी ये जरूरी नहीं था कि यहीं पे आके मिलेगा। कहने का मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे। ये बोल रहा है ऐसा, क्या बोलेंगे, 2.5 बोलेंगे, ठीक। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, आपको दिखाना नहीं 2.5, समझना है। अभी आपसे इसी आधार पे या और भी कुछ पूछ रहा है, जैसे कहते हैं ना, यदि बिल्ली को ऊंट कहा जाए, ऊंट को शेर कहा जाए, तो भालू को क्या कहा जाएगा, वैसे है, ठीक। अब आगे देखो, कह रहा है इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है। जो परंपरा मैंने बताया कि 2.5 जो है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पे क्यों होगा, चूंकि यक्ष पे 2, ये यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो यक्ष पे 2 मतलब 1 2, ये 2 और ये 5 है। इसी परंपरा पर ये बताइए कि 4.3 है वो कितनी जगह पर हो सकता है। भैया 4.3 कितनी जगह हो सकता है, यक्ष पे 4 मतलब चौथी सड़क, चलो यक्ष इधर है ना, चौथी सड़क को भी प्लस में, इधर नहीं आएंगे, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा यक्ष, इधर ही प्लस होता है। चिन्ह के बारे में अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, एक अलग से वीडियो देंगे, ठीक। देखो साथियों, करना क्या है, इधर साइड में क्या कह रहा है, 4.3 ना, तो 4 सड़क गिनो इधर साइड में, 4 सड़क प्लस साइड में, ठीक। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, भैया सड़क तो यही है, अब कहाँ पे होगा ये नहीं पता, अभी जहाँ होगा मिल जाएगा। 4.3, 4 यक्स पे और 3 वाई पर, तो यहीं से 3 ऊपर चलो, 1 2 3 मतलब यहाँ पर, ये है 4.3, ये क्या है 4.3 जहाँ मैं घेरा हूँ। ये पूछा था कि कितनी जगह 4.3 लिखा जा सकता है, कितने ऐसे चौराहे होंगे जिसपे हम 4.3 लिख सकते हैं, ये बताओ कोई और ऐसा चौराहा है। हर एक चौराहे का अपना मुख्य मान होगा, हर एक का, प्रत्येक का, ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रयागराज इलाहाबाद से हो तो मैं वहल चौराहा, सुभाष चौराहा को, महात्मा गांधी मार्ग को आप सरदार पटेल मार्ग बता दोगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। मतलब आप जो चौराहा है, हर किसी का मुख्य मुख्य अपना अपना मान है, समझ रहे हो ना। जैसे जो इलाहाबाद से होंगे उनको मालूम होगा बालसन चौराहा है, तो उसे सुभाष चौराहा नहीं बोल सकते हो, है ना। मेवहाल है तो उसे आप बालसन नहीं बोल सकते हो। तो उसी तरह से जो चौराहे हैं सबका अपना अपना मान है। तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या होगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है, इसका उत्तर लिखोगे 1। सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम 4.3 मान सकते हैं और किसी को नहीं। कह रहा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3.4 माना जा सकता है, 3.4 मतलब यक्ष पर 3 वाई पर 4, तो यक्ष पे 3, इधर यक्ष है, 3 मतलब 1 2 3, ये यहाँ है 3, ठीक। ये मैं रोड का चिन्ह लगा रहा हूँ बस, बाकी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ अभी। वाई पर 4, यहीं से 4 चलो, 1 2 3 4 मतलब यहाँ, यहाँ क्या है भैया, ये 3.4। पूछ रहा था कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3.4 लिख सकते हो, इसका भी उत्तर होगा 1। सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को हम 3.4 लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्यों। अगर कोई सोचे कि इस पे क्या लिखेंगे, चलो इस पे क्या लिखेंगे, वाई वाला तो 4 ही है, गिनो 1 2 3 4, वाई वाला तो 4 ही रहेगा, लेकिन एक्स वाला बदल जाएगा, कैसे, यहाँ से गिनो 1 2, और यहीं पे है ना, या यहाँ से गिन लो चाहे, देखो 1 2, ये भाई 1 हो गया है 2 ना, इस पे 2.4 बनेगा, क्या बनेगा, 2.4, इस पर 1.4 बनेगा। ये पूछा नहीं था लेकिन मैं अपने से बता दे रहा हूँ, ठीक। इस पर करोगे तो यक्ष वाला शून्य हो जाएगा, कितना भी नहीं बढ़ रहा कुछ भी, तो ये 0.4 होगा। चाहे सब का बना लो, हर एक चौराहे का माना जाएगा अपना अपना। अगर इस पे बोलें तो इस पे देखो यक्ष पे कितना चल रहा है इधर, 1 और ये 1 2 3, 3.4 होगा, 3.4 सही है, गलत है, ये पहले पर है, यक्ष पे 1 है, यक्ष पर 1 है, वाई पर देखो ये मुख्य सड़क है ना, वाई पर देखो ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर है, मतलब 1.3 होगा, समझ गए ना। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो चिन्ह वाला कांसेप्ट समझना होगा, ये किधर माइनस होता है किधर प्लस होता है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक ना। क्योंकि हम जानते हैं यार, देखो जो संख्याएं होती, संख्या रेखा आपने देखा होगा, उस पर दाहिनी साइड सभी संख्याएं प्लस होती हैं, +1 +2 +3 +4, ऐसे ऐसे देखा होगा ना, इधर साइड माइनस होती हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में -1 -2 -3, इधर नीचे भी माइनस होती है -1 -2 -3 -4, होता है ना, ऊपर फिर प्लस होता है +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे होता है। तो भैया अगर ऊपर चलोगे तो प्लस जाएगा मान, इधर जाओगे तो प्लस जाएगा, लेकिन नीचे आओगे या इधर जाओगे तो माइनस आएगा, इसलिए इस चतुर्थांश का मान प्लस प्लस होता है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक हो चुका था,
क्वेश्चन यहीं तक हो चुका था। हाँ, जो लोग लिखना चाहते हैं मैं उनको बता दूँ, ध्यान से सुनो, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। आपको ये बनाना ऐसे ही है जैसे सब बना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है और ये लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये जो मैंने बताया, ये 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 और ये चिन्ह कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ सिर्फ वही जो रेड कलर घेरा हूँ उतना लिख लो बस। इसको पूरा बना के रेड कलर वाला जो घेरा हूँ उतना लिख लेना, बाकी कुछ आपको लिखना नहीं है। जो स्टूडेंट है नाइन्थ वाले और जिनको समझना था उनको तो पूरा देखना है, समझ लें वो बस, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, समझाने में थोड़ा टाइम भले लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो कहानी एक प्रकार से। तो साथियों ज्यामिति के बारे में आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसमें विशेष महत्वपूर्ण एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर चैप्टर भी करवाएंगे। आपको पता है कि चैप्टर का जो है 3.1 आपने पढ़ लिया है, कुछ काफ़ी जो है इसमें पढ़ लिया है 3.12 में जो भी है, तो उसके आगे वाला चैप्टर हम करवाएंगे, लेकिन उसके पहले पहले ये सब चीज़ देख लो, ठीक है। 3.1 आप पढ़ लियो, 3.2 करवाना है, लेकिन 3.2 के पहले ये ज़रूरी है। साथियों पहले तो आप वर्ड समझिए, शब्दों को समझिए, उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। मुख्य रूप से एक है कार्तीय तल, कार्तीय तल ही इसका मेन जो है वो कप्तान है एक प्रकार से, मतलब मॉनिटर है इस सिस्टम का पूरे, ठीक है। तो कार्तीय तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो वहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है, क्योंकि इसका भी काम लगेगा तो इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कार्तीय तल को दोस्तों बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, देखो लिखा है ना इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, आप समझ लेना क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इसके अलावा चतुर्थांश, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ये चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड फोर्थ, इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष मतलब जैसे ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष है ना, अक्ष इसमें, तो इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। वैसे तो अक्ष को अकेले एक्सेस बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक। फिर अभी प्रयोग होगा भुज और कोटि, भुज और कोटि का मतलब जानते हो, जो यक्ष के मतलब सापेक्ष मान होगा वो भुज होगा, उसे यक्ष से प्रदर्शित करेंगे, जो वाई के सापेक्ष होगा उसे कोटि बोलेंगे वाई से, ठीक है। तो इंग्लिश में भुज को एब्सेसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये आप नोट कर लो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान इसमें होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि मूल बिंदु क्या होती है इसमें, ऑरिजिन जिसे बोलते हैं, और फिर भुज क्या है, ये कोटि क्या है, इन शब्दों का परिभाषा हम देखेंगे, इनसे आपको परिचय करवाएंगे, ये हैं क्या। पहले तो आपने शब्दों को देख लिया, चलिए अब एक एक हम आपको लिखवाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 बेटा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, सुन लो सभी ध्यान से, मैं दो बार बोलूंगा, सुन लो क्वेश्चन, सुन लो ध्यान से, 3.2 का पहला, ध्यान से सुनो, किताब लिए हो तो खोल लो, पेज नंबर 71 है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 71 है, 71 पेज कह रहा, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, इंग्लिश में ऐसे बना लेंगे हम, जुगाड़ो इंग्लिश में, ठीक है। चलो पहला कह रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब ऐसे ऐसे हा? और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे ऐसे रेखाओं के क्या नाम है। भैया क्षैतिज का मतलब ऐसे पट्टे, यानी हम खड़े हैं तो ऊर्ध्वाधर हैं, अगर हम लेट जाएं अभी जमीन में तो क्षैतिज हो गए, यानी आप लोग दिन में ऊर्ध्वाधर रहते हो, रात में क्षैतिज हो जाते हो, कुछ ऐसे गधे हैं खच्चर टाइप के, ढेर सारा दाल भात खाए के दिन में क्षैतिज हो जाते हैं, हाँ समझ रहे हो ना। तो क्षैतिज का मतलब ये लाइन क्या है, क्षैतिज है जिसका नाम लिखा जाता है बच्चों यहाँ पे प्रायः यक्ष और यक्ष डैश, इसे क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष, अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चवा, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस ऐसा ही कुछ होता है स्पेलिंग, मुझे नहीं मालूम ज्यादा इंग्लिश, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में दोनों में समझो, क्या बोलते हैं, अक्ष को एक्सिस बोलते हैं, यानी यक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो समझो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से, किताब वाले, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं या उनके क्या नाम है,
तो बेटा लिखोगे कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्रमशः यक्ष अक्ष व वाई अक्ष कहते हैं। समझ गए ना, सभी समझ गए? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्रमशः एक्स अक्ष व वाई अक्ष कहते हैं। पहला क्वेश्चन डन हो गया, बोलो भगवान की जय। चलो छाप लो। प्रीति यादव जी बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा, जो बचवा एनसीईआरटी किताब नहीं लिया है, कोई अन्य राज्य की एनसीईआरटी लिया है भाई, उनके में भी मिलेगा, उनके में भी मिलेगा बाबू। उसके लिए क्या करना है तुम्हें पता है? तुम्हें केवल निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर खोलना है बस। चलो इसको मिटा दें, हो गई कहानी पूरी। चलो अब देखो, जैसे जैसे जो बुक में है उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा हम लोग लाइन में रहेंगे, नहीं तो लाइन के बाहर हो जाते हैं। देखो भैया, अगर गणित सीखना है बाबू, नाइन्थ में पढ़ रहे हो तो आप पूरा एंड तक देखो, ये नया चैप्टर है, ठीक है? और अगर पूरा क्लास नहीं देखोगे, आए और गए, तो फिर वैसे आएगा और जाएगा मैथ भी, तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं, आएगा जाएगा। लेकिन अगर एक बार जुड़ गए क्लास में, पूरा देखोगे, सब समझ में आएगा। चलो अगला कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? इन जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इनसे जो भाग बन रहा है उसे क्या कहते हैं? भैया बड़ा आसान है वो चच्चा, क्या कहते हैं इन्हें बताओ। पहले देखो भाग क्या बन रहे हैं भाई। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक दो तीन चार, यही तो इनके भाग बन रहे हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं बताओ भैया? इनको चतुर्थांश कहते हैं देसी भाषा में। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। बात समझ में आई ना? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने इन भागों को क्या कहते हैं बेटा? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अच्छा, ये चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, क्वार्टर बोलते हैं ना शायद। अरे सुने नहीं वो लोग कहते हैं अपने क्वार्टर पे जा रहे हैं? क्वार्टर मतलब अपना कमरा। सुने हो कि नहीं? मैं तो बहुत बचपन में सुना था, छोटा था, तो बड़ा हो गया तो कमरे कमरा बोलता हूँ। कहते ना क्वार्टर लिया है। हाँ, क्या बोलते हैं इन्हें? चतुर्थांश बोलते हैं। देखिए तो दूसरे का जवाब क्या है? सेकेंड पार्ट का जवाब है बेटा क्वार्टर या चतुर्थांश। मैं वैसे हिंदी में बता रहा हूँ, चतुर्थांश बड़ा खतरनाक लिखना होता है, चतुर्थांश ऐसे। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, सुन लो। क्वेश्चन कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। बचवा इसको फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। और ये द्वितीय कौन है? इधर नहीं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। क्यों, सही बता रहा हूं गलत? सोच के बताओ। देखो जहां से शुरू करोगे बेटा, घड़ी की दिशा में चलोगे। क्यों, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे दाहिनी तरफ को ना, तो दाया ये है ना, ऐसे चलेगा ऐसे। चतुर्थांश में किधर को घूमते हैं? जैसे घड़ी चलती है, घड़ी के क्लॉकवाइज। किधर? क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना? तो ये होता है, अगर इसको पहला चतुर्थांश मानोगे, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। समझ गए ना? तो ये आपके मानने के ऊपर है, इसको अगर पहला मान लोगे तो फिर ये दूसरा हो जाएगा। आप किसको पहला मान रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है, इसके बारे में जितना पढ़ो बच्चा उतना कम है। लेकिन अभी तो मैं किताब वाला पढ़ा रहा हूं, बाकी इसकी अपनी खुद एक कहानी है। हाँ, इसकी खुद अपनी एक प्रेम कहानी है, वो मैं सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। सर्वेश कुमार कुछ समझ में आ रहा है? चांदनी कुमारी, गौरव सिंह, शिवकांत, आदित्य शर्मा, शंकर, रितु यादव,
थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, घंटी बज रही कि नहीं? बज रही ना दिमाग की घंटी थोड़ा थोड़ा? चलो देखो, अगर क्लास को पूरा देखोगे पक्का समझ में आएगा, सब आएगा। लेकिन तुम थोड़ा से आए मेहमान जैसे और फिर चले गए ना, तो फिर वैसे होगा भी, आएगा नहीं कुछ। देखो अगला कह रहा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। चलो कोई बताएगा? जहां यक्स और वाई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उसे क्या बोलते हैं? देखो देसी भाषा में तो तुम कहोगे काटना। हाँ, ये रेखा क्या कर रही है? काट दे रही। बचवा मैथ की भाषा में इसे काटना नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काटना नहीं बोलते हैं, इसे प्रतिच्छेदित करना बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्यों, सही बोला कि नहीं? हाँ, एक इधर से एक इधर से क्या होता है, प्रतिच्छेदित करना बोलते हैं इसे। तो जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जैसे गांव में सड़क होती है ना, एक रोड इधर से जाता है एक इधर से जाता है। अब नाइन्थ वाले हो तुम लोग, इसलिए थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं बता सकते हैं, बाकी बड़े लोग होते तो और अच्छा एग्जाम्पल देते। चलो समझो, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। हाँ, मिडल पॉइंट भी बोल सकते हो देसी भाषा में। शुद्ध भाषा में बात करें तो इसे मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। तो तीसरे का आंसर आप लोग लिख लो, थर्ड पार्ट का इसमें का क्या होगा? मूल बिंदु, यानी उस बिंदु का नाम जहां पर ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। हो गया? किरण यादव बहुत अच्छे, ठीक है। रोहित विश्वकर्मा, आई लव माई मॉम डैड, ये नाम है इनका, वैसे मैं बोलता नहीं हूं जो करता हूं, ठीक है। लव तो हर कोई करता है मॉम डैड को, हाँ। कुछ लोग तो किसी दूसरे के लव में ही डूब जाते हैं, कभी कभी ये लोग मुझे भी खींच ले जाते हैं उसी में। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है लव, जानते हो कि नहीं? तुम लोग अभी जानते तो बहुत हो, कक्षा छः से ही जानने लगते हो, लेकिन अभी कम जानो, जब तक ना जानो तभी तक ठीक है। चलो देखो, ये हो गया। अब बच्चा आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि आप लोग एनसीईआरटी किताबें लिए हो? मैं मिटाऊं का है भाई, अगर इसको मिटाना नहीं है। एनसीईआरटी बुकें लिए हो आप लोग? बोलो हाँ। विशाल चौरसिया बेटा पढ़ाई कर लो, सब हाल चाल ठीक है? तुम्हारे बिना ही यहाँ पे सुनसान था, और तुम आ गए तो धमाल मच गया। चलो, किताब लिए हो तो पेज नंबर 72 खोल लो, पेज नंबर 72 खोल लो भैया, किताब लिए हो तो। यक्स डैश, मार्कर में थोड़ा स्याही भर लूँ क्या मैं? एनसीईआरटी वाली किताब, जो मुख्य एनसीईआरटी है। देखो, जो मनोहर्रे मनोहर्रे चचा लोग के लिए होंगे, लक्ष्मी प्रकाशन, नगीन प्रकाशन, पता नहीं क्या क्या, वो लोग घबराएंगे नहीं। निर्देशांक ज्यामिति में जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सबके लिए है, तुम केवल तरीका सीखो बेटा बस। अगर तुम तरीका सीख लिए, गारंटी मैं लेता हूँ, तुम अपनी सारी क्वेश्चन कर पाओगे, किताब का सब कर ले जाओगे, केवल तरीका सीख लो यहाँ से बस। भैया देखो, ज़्यादा एग्जाम्पल देने से कुछ होना नहीं है, पहले पढ़ाई करो। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब तुम लोग किताब लिए हो तब तो अच्छी बात है। मुझे यहाँ ए बी सी डी बनाना है, एक से लेके छः तक इधर गिनती लिखनी है, इधर -5 तक लिखनी है, ठीक है? देखो गिनती यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझो, इधर इसको बनाओ पहले, सभी जिसके पास किताब है वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी। चलो बनाओ, नहीं बनाओगे तो कुछ ना कुछ खुरापाते करोगे। चलो जल्दी बनाओ इसको, -1, -2, -3, -4, -5,
बना रहे हो कि नहीं? बंस गुप्ता बेटा पढ़ाई कर लो, कोई बातचीत ना करो, बातचीत ना करो, ठीक है? ये हो गया, ऊपर साइड में नंबर लिखो बेटा, 6 तक लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सभी बच्चे इसको तुरंत बनाओ फटाफट, बुकों में आपके लिखा गया जो बचवा बुक लिया है। चलो 1, -2, -3, -4, -5। देखो अब समझो मतलब मैं बताने वाला क्या हूं। आपको बी लिखना है इधर, इधर एच लिखना है, -5 के ऊपर का लिखना है यहाँ पे बी, लेकिन ध्यान रहे वो 2 के लगभग में ही रहना चाहिए। तो भैया बी ये हो गया। देखो बेटा पढ़ा रहा हूँ, अगर ईमानदारी से पढ़ना तो इसको बनाओ, किताब लिए हो फिर भी बना लो, अपच नहीं होगी। कुछ ऐसे नालायक हैं सोच रहे होंगे अरे हम तो किताब लिए फालतू का लिखें, हाथ थक जाएगा एग्जाम में, कुछ ना कर पाओगे बेटा, थक ही जाओगे। याद रखना या तो हाथ प्रैक्टिस करो, लिखो जरूर, ठीक है? खूब प्रैक्टिस करो, जितना लिखोगे उतना बेहतर रहेगा। -5 और 3 के सामने आएगा ये, यहाँ पर यच बनेगा, ठीक है? अब ये आपका ऐसे जाके मिल रहा है, अभी इस पर क्वेश्चन बनेगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा बटवा, ठीक है? समझा था ना तू लोग? चलो देखो समझो, 6 और 2 इधर साइड, यहाँ 6 और यहाँ 2, नाम रहेगा डी, का नाम रहेगा डी, नीचे सी है, 5 और -5, ये यहाँ देखो कहानी समझो, अभी इस पे क्वेश्चन बनने वाला है, इस पे अभी क्वेश्चन बनने वाला है जो मैं बना रहा हूँ। चलो क्वेश्चन शुरू होता है, -4 और 2, चलो भाई साहब बन गया बबुआ, चलो एक ठिया और है भैया, ई से -3 के आगे थोड़ा सा, है 3.5 मान लो यहाँ पे, और क्या, नीचे ई है -5 के सामने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे यम है। अब ईमानदारी से बताओ किसने किसने नहीं बनाया, कौन कौन सा ऐसा गधा है नालायक जो बनाया नहीं इसको? देखो जिसको ना पढ़ना वो ना बनाएगा, कोई जरूरी नहीं है, जिसको पूरे पूरे पूर्णांक लाने हैं प्यार से समझना है वो बनाएगा। बन गया ना भैया, हाँ जो नहीं बना रहा वही डंडा किया है, वही पूछ रहा है कब बनेगा कब बन होगा, क्योंकि वो बना रहा नहीं, वो ताक रहा है बस। उदय शंकर बेटा पढ़ाई कर लो भैया, पढ़ाई कर लो। चलो देखो अब इसमें क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि बी के निर्देशांक बताइए, कौन कौन बता पाएगा? बिंदु बी के निर्देशांक बताइए, बिंदु बी ये है चचा, ये बिंदु बी का निर्देशांक। अब चलो देखो सबसे पहले यक्ष पे चलोगे तो यक्ष अक्ष ये है, यक्ष पे आओ बी के पास तक, यहीं से चलो बैठ लो गाड़ी पे, तो भैया -5 तक है बबुआ, क्या है -5, तो यक्ष का मान क्या है? देखो निर्देशांक जो है यक्ष और वाई के रूप में लिखा जाता है, तो यक्ष का मान क्या है? -5 है, वाई का मान 2 है प्लस में, तो बिंदु बी का निर्देशांक -5, 2 क्या होगा? -5, 2 एक अकेले नहीं होगा चचा, दोनों होगा, जैसे तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारी वाइफ भी होगी तुम भी होगे, दो होगे, अकेले नहीं तुम्हारी शादी हो जाएगी कि अकेले शादी हो जाएगी, अकेले सब हो जाएगा, दो लोग होना चाहिए ना, तो वैसे यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे 2, एक यक्ष अक्ष एक वाई अक्ष, ठीक है?
तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया माइनस फाइव कामा टू। इसको मैं अब मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये गंदा गंदा सा लगेगा। हाँ, ग्राफ कॉपी अगर लिए हो बेटा तो और अच्छा रहेगा। जो ग्राफ कॉपी लिया है इसको उसमें बनाएगा तो और सुंदर लगेगा वो, और उसके लिए आसान रहेगा। थोड़ा सा इसको मैं काला कर देता हूँ। देखो अब समझो, ये हो गया ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहीं सी दिख रहा है तुम्हें विनायक सिंह, क्रिस, अंकित प्रजापति, अनकेश, यहूदी। बेटा यहूदी पढ़ लो नहीं यहाँ बहुत मार पड़ती है। बिंदु सी ये दिख रहा है, कह रहा कि सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सी का निर्देशांक, पहले हम यक्ष अक्ष पे चलेंगे बेटा, सी के साइड में ऐसे खर्र। तो ये पांच तक आके रुकता है, पांच है। फिर वाई पे चलेंगे सी के सापेक्ष, हाँ वाई पे मतलब नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ यहीं से चलेंगे, आसमान में तो दौड़ेंगे नहीं। तो ये माइनस पांच के लगभग आ रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा इसका। चांदनी कुमारी जी बिल्कुल करेक्ट है, सी का माइनस पांच कमा पांच, सी का निर्देशांक क्या होगा माइनस फाइव कामा फाइव। देखो अगर समझ के चलोगे, पूरी गारंटी से बता रहा हूं कि सब आएगा आपको। और तुम चैटिंग करोगे है ज्योति अपना नंबर दे दो, पूजा तुम कैसी हो, हाँ सोनाली बेबी तुम कहाँ से हो, तो नालायकों हरामखोरों कुछ होने वाला नहीं जिंदगी में, समझ रहे हो ना, पढ़ाई कर लो। ये मैं कमेंट देखता रहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना अच्छा एक्सपीरियंस कैसे, हाँ मैं कमेंट देख रहा हूँ। मैं नहीं बोलूंगा तो क्या तुम जानते हो कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ तुम्हारी एक एक हरकत। चलो ये हो गया। तीसरा कह रहा निर्देशांक माइनस थ्री कामा माइनस फाइव द्वारा पहचाना गया बिंदु। माइनस थ्री कामा माइनस फाइव, ये बताओ चचा कहाँ है ये। माइनस थ्री कामा माइनस फाइव कौन से बिंदु पर है। उदय शंकर को ब्लॉक कर दो भाई, इनके ज्यादा खुजली मच रही है। उदय शंकर को ब्लॉक करो। बताइए माइनस थ्री कामा माइनस फाइव किसी बिंदु का है, जैसे बी का है, एच का है, ई का है, यम का है, जी का है, सी का है, डी का है, किसी का है क्या ये। अरे ये दो से और छह के बीच था ऐसे। प्रीति यादव, प्रीति जी मैंने सबसे पहले बता दिया, तुम कहाँ चली गई थी अब तक। हाँ देखिए मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, नालायकों के लिए बोल रहा हूं जो इसमें फालतू का कमेंट करते हैं, ठीक है इसलिए पढ़ाई कर लो। उन्हें वैसे मैं ब्लॉक करवाता रहता हूं जो फालतू कमेंट करते हैं, लेकिन देखो दुनिया में कई तरह के प्राणी हैं तो सबको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वैसे तो मैं ब्लॉक करता रहता हूं, ठीक है। मैं ये किसी का नाम लेकर के विशेष रूप से नहीं बोल रहा हूं, ये लोग कमेंट करते रहते हैं इस तरह के, है ना। चलो तो ये हो गया माइनस थ्री कामा फाइव किस बिंदु का निर्देशांक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें सभी का खोजें तो दोनों माइनस बिंदु ई का हो रहा है ना, यानी इसका आंसर होगा ई, क्योंकि बिंदु ई का जो निर्देशांक है वो माइनस थ्री कामा माइनस फाइव हो रहा है, इसी के पास में है ना। सबको समझ में आ रहा, लिख लो। एक्सरसाइज 3.2 है, कौन सा है 3.2, जल्दी से इसको बना लो, जो बचवा नहीं बनाया वो बना ले जल्दी से, जो नहीं बनाया है जल्दी जल्दी से बना लो भैया। ये हो गया डन। इसका अगला क्वेश्चन देखो। देखो भैया अगर आप लोग किताब लिए हो तभी मजा आती है, अगर आप किताब नहीं लिए हो ऐसे ताकते हो मुंह एक दूसरे का तो बिल्कुल मजा नहीं आती जान लो। चलो देखो कह रहा निर्देशांक 2, -4, 2, -4 किसी का है, प्लस में 2 और माइनस में 4। खोजो भैया कहीं खोजो।
प्लस में टू माइनस में फोर, देखो तो प्लस में टू अगर हम खोजें तो ये बी का भी था, लेकिन ना 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 ना, यक्स पे टू चाहिए, तो यक्स पे टू इसका तो है नहीं, इसका भी नहीं है, इसका है, बिंदु जी का है ना टू, और वाई पे माइनस फोर, ये फोर भी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, यानी टू कामा माइनस फोर उस बिंदु का निर्देशांक है जिसका नाम है जी, जी मतलब ये जी, ए जी ओ जी ये जी, ठीक है समझ गए ना। चलो जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो, समझ रहे हो कि नहीं। अभी अभी जो भी नए छात्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस सेशन को लाइक जरूर करें, अगर आप इसको नहीं करे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर अगली क्लास आपको मिलेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है बच्चा। चलो अगला कह रहा डी का भुज बताइए। अच्छा भुज और कोटि कल की क्लास में बताया था ना, भुज और कोटि कल बताया था, तो कह रहा बिंदु डी का भुज बताइए। चलो सभी बताओ भुज, जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता बच्चा वही भुज होता है, तो बिंदु डी का निर्देशांक क्या पहले तो ये बताओ, बिंदु डी का निर्देशांक क्या है भैया, हो बिंदु डी का निर्देशांक बच्चा दुई कामा, इधर भी प्लस है का, हाँ दोनों प्लस है, तो दो कामा छः है, सही लिखा हूं का, गलत है, यक्स अक्ष का मान पहले लिखा जाता है, वाई का बाद में लिखा जाता है, तो ये छः कामा दो है, क्या है छः कामा दो है, तो बच्चा अगर इसमें हम भुज की बात करें तो छः क्या है भुज है, दो क्या है कोटि है, यानी भुज का मान छः है कोटि का मान दो है, सभी समझ गए ना, यानी इसका आंसर क्या है छः, भुज क्या हो जाएगा छः है इसमें से, फटाफट समझते चलो भाई। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी नए छात्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे कि वो रोज पढ़ सकें प्यार से। ठीक है चले, कह रहा बिंदु यच, यच फॉर हैन, हैन फॉर मुर्गी, मुर्गी चलो बिंदु यच, इसका कोटि बताइए, बिंदु यच का कोटि बताइए। अब बिंदु यच है कहां पहले खोजो, बिंदु यच ये है ना भाई, राजपूत गेमिंग, राजपूत गेमिंग बेटा पढ़ाई कर लो, जितना मेहनत तुम ही सब कचड़ा भेजने में कर रहे हो उतना पढ़ाई में कर लो। देखो अगर इसके निर्देशांक की बात करें तो यक्ष अक्ष पे माइनस पांच है, वाई अक्ष पे माइनस तीन है, तो ये भुज माइनस पांच है और कोटि क्या है माइनस तीन है, सबको समझ में आ रहा ना भैया, हाँ कितना है माइनस तीन, अंकित यादव, मनोज, आर्यन, ठीक है बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, कितना होगा भुज, भुज माइनस पांच कोटि माइनस तीन, और अगर निर्देशांक पूछ ले कोई नालायक तो बता देना माइनस पांच कामा तीन, मतलब माइनस पांच कामा माइनस तीन, प्रीति विश्वकर्मा जी ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे हैं अपने ही, अच्छे अच्छे हैं, पढ़ लेने तो इनको, थोड़ा बहुत गलती करते रहते हैं उसके लिए इनको सजा मिलती है, ये ब्लॉक कर दिए जाते हैं पांच मिनट के लिए, लेकिन जो एकदम बिल्कुल से नालायक है उन्हें एकदम से ब्लॉक कर दिया जाता है क्योंकि वो पढ़ने नहीं देते हैं। हाँ बिंदु यल के निर्देशांक, भैया यल तो कहीं मैंने लिखा ही नहीं शायद, देखो कहीं बिंदु यल दिख रहा है का, ए चचा बिंदु यल हे ही डाला रहा ही, ये बिंदु यल था, तो सोच के बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा, बिंदु यल का निर्देशांक क्या होगा जरा सोचो और बताओ। देखिए
यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है ज्यादा, जो बिंदु यल है उस पे अगर तुम देखो तो ये बिल्कुल सबसे अलग है, क्योंकि देखो बी यहाँ बीच में था, एच यहाँ था, ई यम, मतलब ये सब अलग अलग जगह थे, लेकिन भाई साहब जो यल है वो इसी बिंदिए पे रखा है, जैसे यम भी रखा था इसी पे ना। देखो मैं बताता हूँ, इसमें अगर हम यक्ष अक्ष पे चलें भाई, तो यक्ष अक्ष पे ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, यानी उसी बिंदु पर ही है, यानी इसी पर सीधा सीधा ऊपर चला गया, तो यक्ष का मान तो इसमें क्या होगा, जीरो होगा। वाई अक्ष पे ये पांच लाइन ऊपर बढ़ा है, कौनो माइनस में बता रहा है, अरे गधे, ऊपर जाने पे माइनस नहीं होता है, ऊपर जाता है जो वही प्लस हो जाता है, हाँ तो ऊपर क्या है, पांच है, प्लस में है, इसका निर्देशांक जीरो कामा पांच है, क्या है, जीरो कामा पांच। प्रीति यादव जी ठीक है, आर्यन यादव, अर्पित वर्मा, सावन राज, प्रियांशु, सोनू साहू, साहिल राजा, बलराम गुर्जर ठीक है। प्रतीक पाठक बेटा तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है नहीं मुझे लगता है, क्योंकि तुम्हें मैं कई बार बताया हूं इंक्वायरी के लिए नंबर दिया है, हाँ नंबर दिया है, लेकिन तुम ऐसे ना लायक हो जो कभी सुधरने वाले हो नहीं, नहीं तुम्हारा उद्देश्य है कि ना तुम पढ़ो ना हजार लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी ना पढ़े, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। चलो अगला है इसमें बिंदु यम के निर्देशांक, भैया बिंदु यम आ ही गया आखिर, हाँ बिंदु यम के निर्देशांक क्या होंगे, यक्ष अक्ष पे तो चल रहा है थोड़ा बहुत, वाई अक्ष पे तो बिल्कुल गया ही नहीं, जल्दी बताओ बिंदु यम के निर्देशांक, चलो जल्दी बताओ बिंदु यम के निर्देशांक क्या होंगे। एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है बेटा, ठीक है जो कमेंट कर रहे हैं वो जान लें, 3.2 चल रहा है, सोच के बताओ यम बिंदु, देखो दिख रहा है सबको दिख रहा है, हाँ बिंदु यम के निर्देशांक आपको बताना है, देखो मैं बताता हूं यहां से आप लोग ट्राई कर लो फटाफट सभी, यम यहां है, यक्ष अक्ष पे चल रहा है क्या कुछ, ये यक्ष अक्ष पे चल रहा है क्या भाई, यक्ष अक्ष कौन सा है, ये है ना, हाँ यक्ष अक्ष पे ये माइनस तीन चल रहा है, वाई पर एक भी पॉइंट नहीं बढ़ रहा कहीं, वाई पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, तो वाई पे क्या हो जाएगा, जीरो, यानी माइनस तीन कामा जीरो, ये भीग गया का लग रहा है मुझे। यम का निर्देशांक क्या होगा, माइनस तीन कामा जीरो, क्या होगा, माइनस तीन कामा जीरो। जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े हैं जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें भैया, जिससे कि उन्हें आगे की क्लास भी मिल सके प्यार से, बहुत जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, चलें आगे बढ़ें फटाफट लाइक करो। ये आपका 3.2 खत्म हो गया, एक्सरसाइज 3.2 हो गया खत्म, अब मेरे देखो हो गया जुखाम, ठंडा ठंडा पानी पीना बड़ा नुकसानदायक हो गया है, मतलब क्या जिंदगी है, हाँ चलो ठीक है जाने दो, तो क्या कह रहे हो, अरे ये चार्जर है यहाँ लटक गया, नीचे जा, लिख लिए सभी, अच्छा इसमें कोई नया बच्चा भी आया है क्या आज, चलिए तो आप ये बताओ मुझे कितना समझ में आया आप लोगों को, मैंने इतना देर बोर्ड आपके लिए खाली रखा था, तब तक मैंने पेटीएम का थोड़ा सा कर्जा उधार था वो भी जमा कर दिया इतनी जल्दी में, आप लोग देख नहीं पाए,
आरती पटेल क्लास ऑनलाइन होती है और आगे क्या बताएं आपको। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसमें आपको हम बड़ा ही बेसिक फंडा बताने वाले हैं, कोई जाना नहीं। देखो बच्चा, जाना नहीं अभी किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उसका जो बेसिक मूल मंत्र है वो आपको आना चाहिए, तो मैं वही आपको इसमें थोड़ा बताने वाला हूँ। देखो जितनी नींव मजबूत होती है ना मकान, उतना ज़्यादा दिन चलता है, उतना ज़्यादा आंधी तूफान झेल पाता है। जब तुम्हारी नींव मजबूत नहीं रहेगी तो आगे तुम झेल नहीं पाओगे ज्योमेट्री। अभी नींद आएगी बहुत मस्त वाली। बस सब समझ में आया? ठीक है बच्चा, देखो सब अभी और अच्छे समझ में आएगा। देखिए जिनको ना समझ में आया उनके लिए है विशेष रूप से, थोड़ा सा अलग थोड़ा सा बेहतर। जिनको नहीं समझ में आया देखो समझो 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 समझो। देखो बच्चा, जो इधर साइड को होता है नंबर, ये देखो दाहिने साइड को ना, ये सभी नंबर प्लस में माने जाते हैं। ठीक है, ऊपर साइड को जो नंबर जाता है ये भी सभी क्या माने जाते हैं? प्लस होते हैं। इन्हें यक्ष अक्ष बोलते हैं, यानी यक्ष एक्सिस इंग्लिश में, इसे वाई अक्ष बोलते हैं, वाई एक्सिस यानी जो ऊपर को जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसे वर्टिकल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, कुछ बच्चा ऐसे पढ़ता है, जिसको कमेंट में गाली वाली देना रहता है वैसे पढ़ता है, जिसे बोलते हैं वर्टिकल। और जो सीधा साधा रहता है बच्चा, शुद्ध वाला भोला भाला, वो ऐसे पढ़ता है वर्टिकल में। ऐसे पढ़ता है तो मोबाइल में पूरा स्क्रीन में दिखता है और बड़ा दिखता है, उसको कमेंट वमेंट से मतलब नहीं रहता ज़्यादा। हाँ, तो ये क्या है? ये भैया वर्टिकल है? नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ठीक है, ये वर्टिकल है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए हॉरिजॉन्टल में मोबाइल करके पढ़ना चाहिए, जिससे जो लिखा जाए बड़ा बड़ा दिखे। कमेंट तुम्हारा करना जरूरी नहीं है, जितना बकैती करते हो आकर के पढ़ना जरूरी है। ठीक है, प्रीति यादव, सबको समझ में आ जाएगा, सबको आ जाएगा, सब आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, समझो। तो जो कोई बिंदु रख दिया जाता है उसका मान कैसे निकालते हैं क्या आप जानते हो? कोई बिंदु अगर रखते हैं तो उसका मान कैसे निकालते हैं जानते हो? जैसे देखो अगर मान लो कि भैया मैंने एक बिंदु यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया, जिसका नाम मैंने रख दिया सी। अबे सीधा सीधा आ जा काहे को, रुक जा भाई थोड़ा सा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि बिंदु सी का निर्देशांक बताओ तो क्या होगा? जरा आप सोच के बताओ, बिंदु सी का निर्देशांक क्या होगा बताओ। देखो कैसे निकालते हैं मैं वही बता रहा हूं, जिनको ना समझ में आया उनके लिए बता रहा हूं, जो समझना चाहता है उसके लिए बता रहा हूं, जो नालायक टाइप का है समझना चाहता ही नहीं उसको नहीं बता रहा हूं। देखो अगर हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो भैया जो निर्देशांक होता है बाबू, वो यक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। जो यक्स का मान होता है वो एक्स अक्ष का मान होता है, जो वाई का मान होता है वाई अक्ष का होता है। तो हमें बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो पहले हम देखेंगे कि यक्स अक्ष पे ये कितना जा रहा है। तो यक्स अक्ष हमारा ये है, ये हम सबसे पहले मूल बिंदु पर आते हैं और यहीं से इसकी दूरी नापा जाता है। तो मूल बिंदु ये है, हम देखेंगे कि मूल बिंदु से जो सी है वो कितना दूर है। ऐसे समझ लो बेटा जैसे तुम्हें नदी का किनारा नापना है, हाँ तुम्हें नदी का किनारा नापना है, इस छोर पे कितना दूर है उस छोर पे कितना दूर है, तो तुम क्या करोगे भाई? नदी में क्या करोगे तुम? एक किनारे से जा करके नाप लिए, फिर दूसरे साइड पुल उल से नाव वाव से पार होकर दूसरे साइड जाओगे ना? ऐसा तो नहीं तुम पनिये में घुस जाओगे, कूद जाओगे, डूब मर जाओगे, हाँ किनारे किनारे जाओगे ना? तो वैसे इसमें क्या है, हमें सी को नापना है तो हम ऐसे सीधा नहीं नापेंगे, नहीं हम सी तक तो जाएंगे लेकिन ऐसे जाएंगे, यानी ऐसे समझ लो कि ये रेल की पटरी है, ये पटरी से उतर के नीचे से नहीं जा सकते है, नहीं
अगर हमें सी की दूरी नापना है तो हम ऐसे नहीं नाप सकते सीधा वाला ऐसे, नहीं ये गलत है, ऐसा कोई तरीका हमारे पास है नहीं नापने वाला। तो क्या करते हैं हम सी के ही समकक्ष ऐसे चलते हैं, ऐसे सी के बराबर में आ जाए ऐसे, ये इस पे मतलब सी के जहाँ पे ये बिंदु था, सी का बिंदु यही है, ये तो इसका नाम थोड़ा दूर लिखा गया है ठीक है, बाकी बिंदु यही है। तो ऐसे हम नीचे आएंगे यहाँ तक, सी देखो सीधा फीधा हो रहा है, यानी यक्ष अक्ष पे हम कितना चले, यक्ष अक्ष पे हम 4 पॉइंट चले हैं, तो भैया यक्ष अक्ष पे क्या हो जाएगा, इसका मान 4। अब यक्ष अक्ष से ही तो काम बनेगा नहीं चाचा, यहाँ से ऊपर भी चलो, कितना ऊपर है ऐसे चलेंगे तो कितना है 3, यानी 3 बिंदु जाने पर मिल जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 4,3, समझ में आ रहा है, विशाल चौरसिया पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो, सर्वेश तुम भी पढ़ लो, अपच नहीं होगी, पढ़ लो ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, ये जो थोड़ा सा सिस्टम बदला हुआ लग रहा है ना आपको, इसमें मैंने माइनस वाला कोई मान नहीं लिखा है, माइनस में होता है जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इधर साइड जो भी बढ़ता है माइनस में जाता है ठीक है। समझो अब अगर मैंने एक बिंदु यहाँ पे रख दिया कहीं ला करके यहाँ पे, और भाई साहब मैंने इसका नाम रख दिया P, तो आप मुझे ये बताओ तुम लोग बिंदु P का निर्देशांक क्या है, जल्दी बताओ, सोच के हर एक बच्चा बच्ची बताएगा बिंदु P का निर्देशांक क्या है, पता नहीं बिंदु P का निर्देशांक क्या है बताओ, फटाफट बताओ क्या है। देखो मैंने अभी अभी बताया ना, इस P का निर्देशांक के लिए हम इसके समकक्ष चलेंगे ऐसे खटाखट ऊपर नीचे, हाँ पहले यक्ष अक्ष पे चलेंगे, ये हमारी ट्रेन की पटरी, हमें इसी से चलना है, यहाँ तक आया देखो ये मिल जा रहा है, यानी ये 4 के ही लगभग में है। वाई पे इधर आएंगे, इसके समकक्ष देखो 4 के ही लगभग में है, यानी दोनों 4, लेकिन यहाँ पे चिन्ह ना भूलना चचा, चिन्ह मेन है इधर, यक्ष अक्ष पे भी माइनस जा रहा, वाई पर भी माइनस जा रहा, मतलब घर के पिछवाड़े वाली खिड़की से आ रहा है ये, इसलिए क्या है माइनस, तो इसका जो मान होगा -4,-4, दोनों माइनस होगा क्योंकि ये दोनों उल्टा आ रहा है, क्या होगा -4,4, समझ में आया ना। इसमें बहुत लंबी कहानी है, इसकी प्रेम कथा बड़ी बड़ी भारी है। तो आज हमारा जो मुख्य रूप से टॉपिक है वो इसको समझाना है, ये को समझाना है ठीक है। देखो NCERT मैथ, फिर ऊपर गया क्या ये, फिर ऊपर है गया, जाने दो अब नहीं लिखूंगा नहीं दोबारा। आप लोग ये बताओ, सभी लोग क्लास को लाइक कर दियो ना भैया, देखो फिर अगर पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, नहीं ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, ऐसे भी ज्यादा नहीं बोलने वाले, देखो फैन नहीं चलाया मैंने, पसीना हो रहा, फिर भी पंखा एसी कूलर सब बंद है इसी वजह से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हो माइनस का 2 है प्लस का 5 है, ये किस चतुर्थांश में होगा, आप लोग बताओ किस चतुर्थांश में, और ये कौन सी मुसीबत है यार, 69 दिख रहा है इतना देर से, ये ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, हाँ ये मेरा ही मोबाइल खराब है का, आयुष कुछ समझ में आ रहा बच्चा, आर्यन चलो जल्दी आप लोग बताओ तो। हाँ विशाल जी बुखार लग गए हैं और बुखार चले भी गए हैं, अब मैंने भगा दिया उसे, आया तो था बड़ा लंबा,
जाने आया था, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी पढ़ाना है बच्चों को, अभी चलेंगे नहीं, हम पढ़ा लेंगे तब चलेंगे। चलो देखो आगे चला जाए। विपिन पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो। देखो यहाँ पे समझो, मैंने कहा कि माइनस का टू प्लस का फाइव की चतुर्थांश में है। मैंने अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताए, अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सुनो। सबसे पहले ये क्या होता है बचवा, मूल बिंदु होता है जो कि जीरो जीरो होता है, ये जीरो जीरो माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इधर साइड में दाहिनी साइड में सभी गिनतियां प्लस होती हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, प्लस की बात ये होती है खासियत कि इसके आगे प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ जरूरी नहीं होता है, समझो मैं बता रहा हूं सब, ठीक है। और हाँ यहाँ पर अगर प्लस का साइन लगा दो तब भी कोई बुराई नहीं है, और बच्चा हो बेटा हो इधर जो होता है इसे बोलते हैं यक्ष अक्ष, इंग्लिश में एक्स एक्सिस बोलते हैं, ऊपर साइड जो होता है इसे बोलते हैं वाई अक्ष। एक मक्खी आई है पता नहीं कहाँ से, ये बड़ी सी मुझे परेशान कर रही है जी। ये प्लस 1 2 3 4 5, और नीचे जो होता है वाई डैश अक्ष होता है, इसके अपोजिट जो होता है यक्स डैश। अरे थोड़ा ढंग से लगा दो ऐसे, एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी प्रश्नावली है बेटा? 3.3 है, 3.3 का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 3.3 प्रश्नावली है। इधर साइड सब माइनस होगा, -1 -2 -3 -5, नीचे भी सब माइनस होगा। अब देखो भैया ये समझना है तुम्हें, क्या समझना है कि जो -2 और 5 था ना, यहां पर जो यक्स का मान था वो माइनस था, वाई का क्या था? प्लस था। अब मुझे ये बताओ यक्स का मान किस किस चतुर्थांश में माइनस होता है, बोलो यक्स की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होती है, जरा सोच के बताओ। यहाँ पे समझो भैया, यक्स वाला ये है, ये किधर को आया है, ये माइनस है ना, बाकी तो हमें लगता कहीं यक्स का माइनस होता नहीं है, एक के तरफ यक्स का माइनस है, एक तरफ वाई का माइनस है। चतुर्थांश की बात करें तो तुम कहोगे पहला कौन होता है दूसरा कौन होता है, हाँ चतुर्थांश की बात करें तो कहोगे पहला कौन है दूसरा कौन है, ये चीज ना। देखो शुरू कहाँ से करेंगे हम लोग पता है, जहां पे दोनों प्लस होता वहीं से शुरू करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश बने, ये क्या बनेगा बचवा? देखो ये प्लस से घिरा है, यक्स वाला देखो इधर तो भी इसका प्लस है, वाई वाला देखो तब भी प्लस है, यानी इसमें जो चिन्ह होगा वो प्लस यक्स कम प्लस वाई होगा। ये कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश है। पहले आप लोग बताओ ये ठीक है कि नहीं, किताब उताब लिए हो कि नहीं, हाँ किताब उताब लिए हो कि नहीं आप लोग? रुको मैं भी किताब ले आता हूँ, एक मिनट भैया रुक के। चलो तो प्रथम चतुर्थांश समझ में आया वो है, अभी बताता हूँ डिटेल में, रुक जाओ मुझे भी बुक में देखने दो। अब इसमें आगे पढ़ाना क्या है देखो, सिर्फ पढ़ने वाले लोग रुकेंगे, बाकी लोग यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि जिनको पढ़ना है नहीं उन्हें यहाँ मज़ा नहीं आने वाली बेटा, इसमें दिमाग लगेगा ना, और दिमाग नाम की चीज़ अगर है नहीं तो पढ़ोगे कैसे? तो यहाँ पे दिमाग लेके आना पड़ेगा। हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिमाग लेके आना पड़ेगा तुम्हें। देखो समझो,
अब देखो यहाँ से समझो, तो पहला चतुर्थांश आपको पता है, जो चतुर्थांश काउंट करते हैं ये क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया तो ये सेकेंड होगा, और ये थर्ड होगा ये फोर होगा। क्यों? आप लोग पहले अच्छा इतना बना लो तो मैं बताता हूँ, जल्दी बनाओ। चलो इतना बना लो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी बना लो फटाफट। बन गया सबका, बन गया, आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी बना लियो तो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वंश बेटा पढ़ाई कर लो, हाँ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। चलो तो प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय क्या होगा जरा इधर साइड में देखो, ध्यान दो। जो मैं आपको बता रहा था उसका थोड़ा अपोजिट, जो चतुर्थांश ये काउंट होता है वो एंटी क्लॉक होता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, उसके बाद सेकंड आपका इधर आता है, ये आपका क्या होता है सेकंड, सेकंड चतुर्थांश होता है। इसमें दोनों प्लस होता है, सेकंड में देखो बेटा यक्स माइनस हो जाता है, वाई प्लस में रहता है, यानी माइनस यक्स कामा प्लस वाई सेकंड में रहता है। अगर थर्ड में देखो तो यक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, यानी माइनस यक्स और माइनस वाई। ये तृतीय चतुर्थांश, इसको ब्लॉक करो नालायक को, बेहुदा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये बेवकूफ, एक से नाम में भी वैसे हरामखोर जैसे लगा लिया है, मतलब शुद्ध नाम भी नहीं है, क्या नाम जैसे नाम लगे। चलो देखो ये हो गया चौथा, चौथा चतुर्थांश। इसमें ध्यान दो आप लोग, एक्स अक्ष पे अगर चलोगे तो प्लस है बेटा, और वाई अक्ष पे चलोगे तो माइनस है, ठीक है। तो ये होता है चिन्ह का पूरा कॉन्सेप्ट, बात समझ में आया ना। वंश को परमानेंट के लिए यहां से हटा दिया गया, ठीक है। जो बात करेगा उसे बिना कुछ बोले हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए भाई, हमारी तरफ से यही आदेश है सभी को, ठीक है। जो भी इसमें मॉडरेटर हैं सभी फटाफट ब्लॉक करें, कुछ भी ना पूछें उनसे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, हरामखोर टाइप के नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलो इसको बना लीजिए, ये आपके बहुत ही काम का है, इसको बना लीजिए, इसी आधार पे अब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जल्दी बना लीजिए, अनिल पाल, पल्लवी, प्रीति यादव, रोशन, सूर्यांश सिंह, ठीक है। चलिए रविशंकर आ गए, चलो इसको बना लो, बन गया। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो आप लोग मुझे फटाफट जवाब देना दौड़ के, हाँ चलो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना अब मैं, अब तो तुम सरपट बताओगे ना। देखो सुनो, अब आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि दिया गया जो मान है वो किस चतुर्थांश में है। तो चलो बेटा बताओ जल्दी से, तो इसको मिटा दूं क्या, चीटिंग करोगे का? अच्छा कुछ देर चीटिंग कर लो, चलो कुछ देर चीटिंग कर लो फिर बताना। ये बताओ प्लस का पाँच माइनस का तीन ये किस चतुर्थांश में है,
जरा सोच के बताओ, फटाफट जरा सोच के बताओ किस चतुर्थांश में है। आप लोग एक बार बताइए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? जल्दी करिए, फिर उसके बाद चलें आगे। चलिए ठीक है, ओके। कौन बताया? रविशंकर, शुभम, अमन, मनोज, और कोई? एनीवन? और कोई? ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। विनोद, विनोद बच्चा तुम्हारा तो गलत है। आर्यन, देखिए मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि पूरा चिन्ह का इधर सिस्टम बनाया हुआ है, तुम्हें दिख रहा है, तुम चीटिंग भी नहीं करने जानते हो तो क्या कहें। जैसे कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, और तुम्हारे अगर इतनी अकल भी नहीं है कि तुम देख के नकल नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं आगे क्या बताऊं। देखो मैंने कहा कि प्लस फाइव और माइनस का थ्री किस चतुर्थांश में होगा, यानी जो यक्ष अक्ष है वो प्लस होगा, वाई अक्ष क्या होगा? माइनस होगा। तो यक्ष अक्ष प्लस किसमें है? अगर इसमें देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर दाहिनी साइड चलते हो मूल बिंदु से तो प्लस होता है, और यक्ष अक्ष जो है प्लस केवल दो चतुर्थांश में होता है, एक प्रथम में होता है, एक चतुर्थ में होता है। अब देखो, प्रथम में और चतुर्थ में ये प्लस है तो दोनों में हो सकता है, लेकिन वाई माइनस किस में होगा? वाई माइनस किस में होगा? अगर प्रथम चतुर्थांश में देखोगे तो वाई भी प्लस है, लेकिन चतुर्थ वाले में वाई माइनस है। यानी फाइनल में इसका जो अगर आंसर बोलें तो चौथा चतुर्थांश होगा, है ना? क्योंकि पहले में तो दोनों प्लस है, दूसरे में ही वाई माइनस है। तो जिनका जिनका फोर्थ में आ रहा उनका सही है, जिनका जिनका थर्ड में आ रहा उनका गलत है, और जो लोग हमें वैसे कहीं से ताक झांक कर रहे हैं वो क्लास में आके देखें तो ज़्यादा अच्छा दिखेंगे हम, सुंदर सा। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ से लाइट चमक रही होगी सामने, क्योंकि मोबाइल सस्ता है, कैमरे में अच्छे दिखते हैं, मोबाइल में ओरिजिनल में दिख जाते हैं ना कैसे हैं हम। चलिए तो अच्छा, एक थी और बताओ भाई। देखो नकल करो अकल लगा के, यहाँ सब बना हुआ है, सिर्फ तुम्हें देख के बताना है बस। अगर मैंने कहा कि माइनस का टू कामा माइनस का फाइव ये किस में है, तो यक्ष अक्ष और वाई अक्ष दोनों माइनस है। गर्मी इतना तेज लग रही, लेकिन पंखा कूलर एसी सब बंद है, पसीना सिर से लेके पांव तक जा रहा है, लेकिन ये सब सह रहे हैं आप लोगों के लिए, झेल रहे हैं। हाँ आप लोग तो कूलर में घुस के बैठे हो एसी पंखा में, मजा भी आ रही ना। ये किस में होगा? अंशुमान काहे कुत्ता बिल्ली का सिर भेज रहा भाई? नाव्या गुप्ता ठीक है, आयुष, गीता, नरेश, रिंकू, पुष्पेंद्र, विपिन, शिवम, शंकर, और कौन है? सूर्यांश, राहुल कुमार, आर्यन, न्यू मूवी 420, ये नाम है भाई इनका न्यू मूवी, नहीं तो समझो कि हम कुछ दूसरा बोल रहे हैं। ज्योति सिंगरौल, अंशिका सरोज, हाँ ठीक है। देखिए ये इकलौता है अपने माँ बाप का, इकलौता का मतलब समझ रहे हो, जो दोनों में माइनस होता है वो एक ही चतुर्थांश में जाता है थर्ड वाले में, क्योंकि थर्ड वाला ही एक ऐसा चतुर्थांश है जिसमें यक्ष और वाई अक्ष दोनों माइनस होता है, जिसे बोलते हैं इसका दोनों तरफ से क्या है, इसके किस्मत और कर्म दोनों फूटा हुआ है। जैसे मेरा देख रहे हो इन लोग का बना हुआ है, तो इसको अब मिटा देंगे तब तुम लोग बताना। अब तक तो चीटिंग कर रहे थे, अब तक तो बता ले रहे थे, लेकिन अब बताओगे तब समझ में आएगा। और बचवा एक चीज और भी सुन लो, जो इसको कर लेंगे ना 3.3 का सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा अलट पलट के। लेकिन अगर तुम इसको कर लोगे तो देखो 3.3 में सिर्फ दो क्वेश्चन है,
छोटा बड़ा बस दो है, केवल दो। अब ऐसे कुछ नालायक टाइप के हैं जो मुझे लाइव में आके नहीं देख रहे हैं, अभी वीडियो कॉल करके देखना चाहते हैं, मतलब यूट्यूब पे नहीं देखना चाहते। इनकी इतनी बड़ी मतलब कहने का ये मतलब है कि यूट्यूब पे आएंगे तो कहीं वीडियो भी देखना पड़ेगा, हाँ पढ़ना भी पड़ेगा, ये भी मुश्किल है। पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं ये खब्बू लोग। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे हम बोल किसको रहे हैं। चलिए इधर देखिए, आप बताइए आप लोग। जैसे मैंने एक पूछा छोटा सा, माइनस का सेवन और ये प्लस का टू किस चतुर्थांश में होगा? क्वेश्चन नंबर 11 डाल दो। क्वेश्चन नंबर 12 है प्लस एट और प्लस का फाइव, दोनों प्लस है, ये किस में होगा? जल्दी बताइए किस में होगा। अगला 13 नंबर, चलो सिक्स और माइनस का टू। हरिकेश यादव, शुभम सिंह, सत्येंद्र राय, आयुष शुक्ला, रोशन दुबे, नाव्या गुप्ता, गीता, अभिषेक, अंकित, राकेश, अंशिका, रिंकू, पल्लवी। देखो भैया जिनके नाम लंबे चौड़े हैं उनका हम एक नाम बोलते हैं स्टार्टिंग वाला बस, ठीक है? क्योंकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, भूख लगी है मुझे बहुत तेज से और इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। रवि यादव, फादर खान, मुकेश, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा सारे क्वेश्चन का जवाब दो भाई, एक एक क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। चलो मैं देख पा रहा हूँ हर किसी को, ईमानदारी से जो बता रहा वो तो अच्छा है। मैंने एक नहीं कई पूछा है कोई कह रहा है दाल में काला है तो कोई कह रहा है दाल ही काली है। हाँ ठीक है ठीक है, जो भी मिलेगा, आजकल मिल कहा रहा खाने को कुछ। अच्छा एक और बता दो, माइनस का टू कामा फोर ये किस क्वाड्रेंट में होगा भैया, ये किस चतुर्थांश में होगा? बताइए जल्दी करिए किस में होगा। देखो ये मक्खी फिर से आ गई, ये पता नहीं मुझे क्यों सता रही है, आज पूरे कमरे में एक ही मक्खी है, ये मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ जा रही। ये हो गया, अरे भाई चली जा देवी माँ, अभी तुम्हें हम अलग से कुछ दे देंगे जो तुम्हारी मांग होगी, लेकिन अभी चली जाओ, कुछ देर के लिए चली जाओ, पढ़ा लें बस। अरे मक्खी को बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ और मत समझना। ये तीन कामा माइनस वन, ये सब किताब का क्वेश्चन है तुम्हारे 3.3 का, ये 3.3 का क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी कर लो। और मैंने सारा मंत्र बता दिया है, हाँ मंत्र बता दिया है, प्रैक्टिकल तुम्हें करना है। अब मैं बताऊँ किसमें है कौन, देखो समझो, माइनस एक्स अक्ष और ये प्लस वाई अक्ष ना, यानी माइनस एक्स और प्लस वाई। अब समझो यहाँ पे कहानी क्या है भैया, जब तुम चतुर्थांश बनाते हो ऐसे, एक्स एक्सिस इधर होता है बच्चवा, एक्स डैश इधर, वाई एक्सिस वाई डैश इधर, यही होता है, होता है ना? इधर साइड सभी नंबर प्लस, इधर भी प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस,
यक्स माइनस है, वाई प्लस है, यानी ये बच्चा सेकंड चतुर्थांश में होंगे। क्यों भैया? यक्स अक्ष पे माइनस आएगा, वाई अक्ष पे प्लस जाएगा, सेकंड में होगा। हाँ गीता, तुम्हारा इंटरनेट नहीं सही है तो मैं क्या करूं? इंटरनेट तो सही कर लो अपना वो। चलो, कह रहा कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर आलेखित कीजिए। भैया का दिया है पता है तुम्हें? ये दशमलव में भी दिया है, माइनस में भी दिया है, प्लस में भी दिया है। बड़ा खतरनाक स्थिति है। चलो बनाता हूँ। चलो पहले तो ये बना लो, जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है इसको मैं इधर साइड में बना देता हूँ। ये क्वेश्चन है मेन, इसकी सारणी यहाँ बना दे रहा हूँ, तुम लोग देख लो। हाँ ये क्वेश्चन है। वैसे किताब तो लिए हो ना सभी, तो मैं क्यों बनाऊँ? अच्छा बना ही देता हूँ, देख लो, ये बना दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइटल फिर से पढ़ देता हूँ, सुन लो। कह रहा कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, अब सुनो बच्चा, एमए द्वियेट ही होते हैं, एक यक्स होते हैं, एक वाई होते हैं, बस द्विये परानी होते हैं। एक दो तीन चार पांच खाने इसमें होने चाहिए। देखो दो खाना हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये पांच खाना हो गया। ठीक है, समझो ये किताब का क्वेश्चन है जो मैं बना रहा हूँ। ये किताब का क्वेश्चन है, मेन सोल्यूशन इधर होगा इस मैदान में। माइनस दो और आठ है, पहला है माइनस दो आठ, दूसरा है माइनस वन और सेवन, तीसरा है चचा जीरो और माइनस वन पॉइंट टू फाइव। सबसे खतरनाक यही है, सबसे खतरनाक ये है। ये वन और थ्री है। तू भी इधर अबे, काहे को भाग रहा है? ये थ्री और माइनस वन है। बस इन्हीं को क्या करना है, हमें इस चतुर्थांश में दिखाना है। क्या आप लोग कर लोगे? आराधना कुमारी बना सकती हो कि नहीं पहले ही बताओ। मनोज कुमार, हाँ बना दिया हूँ चाचा, बना दिया हूँ, टेंशन मत लो भाई, ये बन गया। मनोज यादव बन गया, लिख लो, छाप लो। चलो छापो 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 छापो, हाँ छापो, जल्दी जल्दी छापो, देर ना करो। यू डोंट वरी। हाँ जिनके पास किताब नहीं है, देखो ये बना दिया हूँ, यही बनाना है बस। बाकी तुम्हें बोला हूँ दो बार सुन लो, एक बार फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो। इसको बनाने के पहले ऊपर लिखना क्या, सुन लो, सुनो, सुन पागल है का, एकदम सुनता का है नहीं, इधर सुनो। क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, एकक मतलब मैं बताऊंगा बाद में, ऐसे लिख लेना एकक। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये हिंदी बड़ी खतरनाक है। आलेखित कीजिए मतलब अभी यहाँ रिप्रेजेंट करिए, वही सब होगा बस। समझ रहे हो ना? देखो चलो मैं बनाता हूँ। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दुकान बड़ी लगेगी तभी बनेगा ये, इसलिए मैं ये सब मिटा रहा हूँ, थोड़ा इसमें चौड़ा रहा हूँ ना, जगह थोड़ी बढ़नी चाहिए। अरे सब मिटा दो, काहे शर्मा रहे हो फिर? लो चलो सभी जल्दी से चतुर्थांश बनाओ बेटा, ऐसे तो ऐसे बनाओ लंबा चौड़ा, दिख रहा है ना? चलो बस बस ठीक है, अच्छा जा रहा है। और हाँ इसको बना लो, मैं मिटा भी दूंगा अभी,
अभी जब इधर मेरी दुकान बढ़ने लगेगी तो मिटा दूंगा ऊपर वाला, इसलिए उसे बना लो, समझो इधर साइड में। ये कौन है? आयुष तिवारी। बेटा कान में स्पीकर डाल लो, तुम एक ठीक सुनाई पड़ेगा तुम्हें। चलो प्लस वन प्लस टू। हाँ लेकिन एक चीज़ देखो, इसमें वाई पर जो है भैया वो दशमलव में है, 1.25 है। क्या है? 1.25 है, तो वाई वाला मान हमें दशमलव में लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा? दशमलव में लिखना पड़ेगा। और यक्स वाला चाहे तो दशमलव में लिखो या ना लिखो, लेकिन वाई वाला तो लिखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ इसको बनाओ पहले, इतना खींच लो फिर मैं बताता हूँ। चलो 3.3 हम लोग पहुँच गए ना, कहाँ पहुँच गए? 3.3। इसको इतना बना लो जल्दी से। क्वेश्चन कौन सा था भाई ये? चलो ठीक है, जो भी था जाने दो, हटाओ किनारे करो। चलो बन गया, तो ये प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ये प्लस फोर। भाई ये प्लस प्लस इनके साथ है, लगेगा ये अलग नहीं रहेगा। ये प्लस फाइव, ये प्लस सिक्स, ये यक्ष अक्ष है, दिख रहा है ना इधर जगह है, ये अक्ष अक्ष। इसी तरह से इधर साइड में दूसरे अपोजिट में जाओगे, यक्ष डैश अक्ष है। इधर जो नंबर आएगा सब माइनस में होगा, ठीक है। ऊपर जाएगा भैया वाई अक्ष होगा, प्लस में होगा बबुआ। अगर तुम यहां ध्यान दो तो वाई पर आठ तक जाएगा अधिकतम, कितना जाएगा? आठ तक जाएगा, फिर गड़बड़ा रहा है ये। वाई पर आठ गिनती जाना चाहिए प्लस में, देखो ये सबसे बड़ा वाई पर ही जाना चाहिए प्लस में। तो इसे हमें देखो समझ वमझ के इसको बनाना पड़ेगा, सेटलमेंट करके थोड़ा नीचे करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वाई पर हमें आठ गिनती ले जानी है। यही चीज तो गड़बड़ हो जाता है ना बनाने में, समझना पड़ता है, मैंने खुद गड़बड़ यही करा। ऊपर ही ज्यादा जगह चाहिए, नीचे देखो माइनस में वाई में सिर्फ और सिर्फ 1.25 तक जाएगा बस, ये नीचे कुछ नहीं रहेगा। नहीं यहाँ दिख रहा है ना, नीचे इसकी कोई औकात नहीं है, नीचे इतना ही चाहिए इसे, बस नीचे इतना ही चाहिए, इतने में हो जाएगा। माइनस वन और माइनस टू इतने में ही हो जाएगा, नीचे इसके आगे है ही नहीं। वाई डैश अक्ष ऊपर जाएगा, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ है तक तो है ना अधिकतम, ऐसे बनेगा भाई, ठीक है। बादर खान पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो। आनंद कुमार संडे को, सैटरडे को होता बाबू, रोज नहीं होता है। हाँ किसी की शादी रोज नहीं होती है, एक का दिन होती है, बारात एक का दिन जाती है। और तुम उस दिन अगर छूट गए तो तुम कहो नहीं हम तो तुम्हारे बारात नहीं जा पाए, चलो फिर शादी करो, तू दोबारा थोड़ी शादी करेगा, एक आफत लेके आया ऐसे ही झेल रहा होगा, दूसरी थोड़ी लाएगा। वही हाल इस टेस्ट की भी है, जो छूट जाता है ना वो कहता है नहीं हम तो आए नहीं टेस्ट में, दोबारा टेस्ट लो। चलो हो गया, यहाँ शादी और झेलना और टेस्ट का मतलब इसलिए है कि मुझे कॉपी चेक करना पड़ता है। ये बन गया सभी का? बन गया भैया। मंजू सिंह समझ उमझ में आ रहा है कि नहीं? प्रियांशु श्रीवास्तव को भी ब्लॉक कर दो भाई, इनको अंजलि शर्मा याद आ रही ज़्यादा, इन्हें ब्लॉक करो। तो एक से एक हराम खो रहे हैं, इनको पढ़ना वढ़ना है नहीं, नहीं पढ़ना इन्हें नहीं। देखो इधर ये बन गया ना, पहला देखो बेटा यहाँ पे यक्स माइनस दो है वाई आठ है। क्या है? यक्स माइनस दो है वाई आठ है। तो ये बताओ कैसे बनेगा, जानते हो कि नहीं कैसे बनेगा? जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो?
देखो इन्हें 5-5 मिनट होल्ड करो, नहीं तो ऐसे करोगे तो आप लोग परेशान रहोगे, क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं। इन्हें एक बार में 5 मिनट के लिए होल्ड करो, ये 5 मिनट ठंडा होके पड़े रहें, 5 मिनट बाद फिर उठेंगे। चलो यक्ष अक्ष पर -2, y अक्ष पर 8, तो भैया यक्ष अक्ष माइनस कहाँ है? इधर चलोगे यक्ष अक्ष पे प्लस है, इसके अपोजिट चलोगे इधर देखो माइनस है, ये 2 मिल गया। वाई अक्ष पे कितना है? 8 है। तो पहला निर्देशांक हमें जो दिखाना है वो 2,8 दिखाना है। क्या दिखाना है? 2,8 दिखाना है। अभी ये परोसने वाली एरिया है, इधर कहीं कुछ भी लिख दें ईमानदारी नहीं है। जैसे कोई परोजन होता है तो एक जगह सब कुछ इकट्ठा किया जाता है, वहाँ बहुत कुछ गिरता रहता है, सारा मटेरियल रहता है, तो वैसे इधर ये वो रूम बनाया गया सामान वाला, समझो। तो -2,8 कहाँ होगा बेटा? यक्स पे -2 यहाँ है, वाई पर 8, 8 चलना है, मतलब एकदम खोपड़ी पे यहाँ, इसके सीधा में ही, यानी यहाँ, यहाँ क्या आएगा? -2,8। समझ में आया? ये आपका बिंदु होगा -2,8। अगर इसे ग्राफ पेपर में बनाओगे तुम लोग तो ज्यादा मजा आएगा, ये ग्राफ पेपर में। हाँ समझ में आया ना? ऐसे सीधा सीधा जाएगा, हाथ से बनाने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ये कितना है? -2,8। दूसरा बिंदु क्या है? कोई मुझे बताएगा देखकर, जल्दी बताओ दूसरा बिंदु क्या है? रोबिन पाल बेटा, तुम या तो हिंदी है बोल लो या तो इंग्लिश है बोल लो, शुद्ध बोलो, बस कुछ भी बोलो। दूसरा बिंदु क्या है? अबे बोलता का है नहीं, गदा है उका एकदम से। हाँ दूसरा बिंदु क्या है? इसमें जितने दिए गए इन सब को ला ला के इसमें दिखाना है। दूसरा बिंदु क्या है? ये यक्स पे -1, वाई पे 7, -1,7 है, ठीक है? अर्पित ने बताया सबसे पहले, शुभम और प्रतिमा विश्वकर्मा, ठीक है। -1 ये है, -1 भैया यक्ष अक्ष पर, वाई 7 है, तो ये सीधा चला जाएगा ऐसे, खर ऐसे ऐसे, -1,7। ए लल्लू दूर रहा, बस -1,7। तीसरा बिंदु क्या है? जरा नजर गड़ा के बताओ भाई, तीसरा बिंदु क्या है? बबुआ देख तो इधर ना, ये 0, ये खतरनाक है, ये डेंजरस है, ये तीसरा का है। 90, किसी को समझाइए मत, ये समझाने वाला जमाना नहीं है। हाँ पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ उन्हें पढ़ लो कहने से वो नहीं पढ़ते। एक कहावत सुने हो ना, लाते देवता बातें नहीं मानते, उनका चाही, समझ रहे हो ना? तो उसमें से कुछ देवता इसमें पढ़ने में भी हमारे जुड़े हैं, जिनको जरूर चाहिए, बिना चाहे उनका काम नहीं चलने वाला है। देखो तीसर का क्या है? 0,-1.25। तो भैया यक्स पे तो कोई बढ़ेगा नहीं, 0 रहेगा, वाई पर जाएगा कितना? 1.25, यानी एक से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। हाँ वन से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, तो वन तो यहाँ है, टू यहाँ है, थ्री यहाँ है, फोर यहाँ है, तो 1,25 मतलब 1 पॉइंट माइनस में जाएगा। ओ चच्चा माइनस में जाएगा, माइनस है ना, वो नीचे आएगा नीचे, ये 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये सब माइनस में है, बड़ा खुश है। तो ये यहाँ कहीं हो जाएगा, यहाँ इनका हम यहीं खींच के लिख देंगे -1.25, 0, ठीक है? ये लिखने के लिए इनको बगल में लिखा हूं, क्योंकि ये लाइन पे तो लिख नहीं सकता हूं, बाकी इनका जो स्थान है वो बीच में ही है,
इनका स्थान पॉइंट पर ही है। ज्योति सिंगरौल समझ में आ रहा है? अंजलि शर्मा ये तरीका आपका गलत है शर्मा जी, ये अपान वाला तरीका गलत है। नहीं नहीं रोहित विश्वकर्मा थर्ड रूम से नहीं मतलब है, ये थर्ड रूम में नहीं रहेगा, ये बच्चा इसी लाइन पे ही रहेगा, लेकिन अब लाइन पे तो जिंदा नहीं रह पाएगा ना, किनारे ही जाएगा, लाइन पे लिखा नहीं जा सकता, इसलिए उसको उधर लिखा हूँ। इसको खींच के हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं, बसरते मतलब समझो, बस छोड़ो। हो गया ना व्हाट्सअप यादव, आप जिंदा हैं अभी तक? मुझे तो लग रहा था कि आप निपट गए कल। चलिए ठीक है, ये कुछ खतरनाक प्राणी है भाई, इनसे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लेना। चलो तीन कामा माइनस वन, ये बताओ थ्री कामा माइनस वन अब ये कहाँ होगा? डीएफएनएल टेली कम्युनिकेशन, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ ही मरते दम तक। ये बीएफएनएल का नाम सुन के मुझे याद आता है, पता है क्यों? क्योंकि अभी भी वाई मैक्स और बी फोर एस मैंने लगा के रखा है, बीएफएनएल का ब्रॉडबैंड घटिया सर्विस देता, चलता भले नहीं, लेकिन रखा हूँ कि अपने देश का मान सम्मान है, इसलिए रखा हूँ। तीन कामा माइनस वन, यक्स पर तीन और वाई पर माइनस वन, तो यक्स पर तीन मतलब प्लस में, हाँ पॉजिटिव है। तो भैया चलो इधर बढ़ो, तीन कदम, पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम, चौथा कदम नहीं रखना, नहीं तोड़ दिया जाएगा, आगे नहीं। वाई पर माइनस वन, माइनस वन चचा ऊपर ना जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे माइनस वन यहाँ है, यानी ये कुल मिला करके यही कहीं बनेगा, तीन कामा माइनस वन। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो इसे बिंदी बिंदी कर लो, खुश हो जाओ। चलो समझ में आया? सर जी का पोल सबको बता देते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ाई कर लीजिए भैया, डोंट डिस्टर्ब। बताइए ये समझ में आया सबको? ख़त्म हो गया ना, आया समझ में? तो ये ज्योमेट्री बड़ी आसान है, हाँ बहुत सुंदर है, बस थोड़ा एटीट्यूड वाली है, बस इतना समझ लो तुम, बाकी सब ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बड़ा मज़ेदार है, नहीं समझ में आया तो गड़बड़ है। चलिए जल्दी बताइए, और जो लगातार फ़ोन कर रहे हैं जब से क्लास चल रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और आगे मैं उन्हें क्या कहूँ। जब भी क्लास शुरू हो जाती मैं आप लोग से बताऊँ, जो नंबर स्क्रीन पे चलता रहता है ना, कुछ ऐसे हराम खो रहे हैं, वो लगातार फ़ोन करते हैं, लगातार करते हैं, जब तक क्लास शुरू मतलब होके ख़त्म नहीं हो जाती तब तक करते रहते। अभी मैं दिखा दूँ चाहे उठा दूँ, खतरनाक आवाज़ में बोलेंगे हेलो। अभी आज तो एक ही बचवा करा था, कह रहा है मैं बहुत परेशान था उस समय, डिस्टर्ब भी था, कह रहा है हेलो, हम बोले हेलो, हाँ आराम से प्यार से, मेरी आवाज़ तेज निकल ही नहीं रही थी। कह रहा आप पढ़ाते हो क्या? मैंने कहा नहीं, तुम्हें कौन काग में पढ़ाता हूँ। कह रहा मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे। हमने कहा नहीं यार, मैं तो खाना बनाता हूँ। कह रहा अच्छा, फिर आप खाना बना लेते हो अच्छा सा? हमने कहा हाँ। उसके बाद फिर उसकी मम्मी भी शायद सुन रही थी, हंसने लगी वो, फिर फ़ोन कट गया, बात बदल गई, कह रहा रॉन्ग नंबर लगा। हमने कहा ठीक है भैया रखो, समझ रहे हो ना, तो ऐसे ऐसी आत्माओं का भी फ़ोन आ जाता है, समझ रहे हो ना। और बादर खान जैसे कुछ नालायक हरामखोर भी पैदा हो जाते हैं कहीं कहीं, तो उनको भी झेलना पड़ता है मुझी को। ये हो गया, मिटा दें, सबको समझ में आया ना? पहले बताओ मुझे समझ में आया? अच्छा ठीक है, इसको देख के आप लोग मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं कहूँ कि प्लस टू और माइनस का थ्री
किस चतुर्थांश में होगा तो बता लोगे कि नहीं? इसमें ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनता, मैं पूछूं कहां से? किस चतुर्थांश में होगा बताओ। जो लोग पिछली कहानी सोच के हंस रहे हैं उनको बता दूं, ये नई नई माताएं जो बनी है ना, उनके नए नए बच्चे पैदा हुए लॉकडाउन में, तो वो सोचती हैं कि चलो हम परेशान हैं, गुरु जी को परेशान कर देते हैं, फोन वो मिला देंगी, सब कुछ वो कर देंगी, बस बचवा से बोलवा देंगी और बगल में सट के सुनती रहेंगी, देखो क्या बोल रहा है। हाँ, गुरु जी बड़े समझदार हो गए, उनको पता है ये क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना? चलो, किस चतुर्थांश में होगा? रविशंकर कह रहे हैं फोर में होगा, एके भी कह रहे हैं फोर में होगा। हाँ सही बता रहे हो का तुम लोग? नाभ्या, इसका मतलब सही होगा मुझे लग रहा है। और कोई एनीवन? हाँ अच्छा, यक्स पे टू और वाई पे थ्री, वो भी माइनस में, तो यक्स पर प्लस है, मतलब लाइन यही है भैया, लाइन यही है, यक्स पर प्लस है, यानी कि या तो दो में होगा या तो चार में होगा, नहीं या तो एक में होगा या तो चार में होगा। हाँ या तो एक में होगा या तो चार में होगा, तो भैया एक में तो होगा नहीं क्योंकि एक में वाई प्लस है, तो चार एक ऑप्शन बच रहा है अकेला, हाँ चार में हो जाएगा, ठीक है, ये चार वाले में आएंगे चाचा, प्लस टू और माइनस थ्री, ये सब तुम जान गए हो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं, मैं कितना पूछूँ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। चलो ए भाई सुनो, तुम लोग क्लास को लाइक करो यार, बाबू ऐसे मजा नहीं आ रही, ठीक है? रविशंकर काहे को ब्लॉक कर रहे हो, ज्योति सिंह रोल को? हाँ ट्रेंडिंग टॉपिक पे कोई बात करे तो उसे होल्ड ना करो, ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जो मैंने बोला अगर कोई उसके बारे में बोल रहा है तो काहे होल्ड कर रहे हो, नहीं होल्ड करो उसे ना। सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर दो भाई, फटाफट कर दो, देर ना करो। हाँ चलो, रायल शिव पूजन यदुवंशी आकाश सरोज, ये चैप्टर खत्म होएगा भाई, खत्म, ये पूरा पाठ ही खत्म हो गया मुझे लग रहा है, क्यों? 3.3 तक ही ज्योमेट्री था, ये खत्म हो गया, अब एक खतरनाक चैप्टर शुरू होगा अपने विकराल रूप के साथ, उसका नाम होगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। देखो सुन लो, जैसे गन्ना पेरने के बाद रस निकलता है ना, हाँ रस निकलता है, उससे गुड़ बनता है, गुड़ के साथ एक ठीक कड़ा कड़ा बनता है, उसका नाम जानते हो कि नहीं? नाम जो भी हो वही मिलने वाला तुम्हें, अब चलो तैयार हो जाओ, मैं इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि पढ़े हो, सारा मजा ले लिए हो, लेकिन अब वो जो कड़ा कड़ा निकलता है ना गुड़ के साथ, वो बड़ा मजेदार होता है, वो मिलने वाला, सुनो इधर लो, चलो लाइन लग जाओ सभी, इसमें जो जो पढ़े हो ना उसका सारांश सब सुन लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे किताब है तो तुम्हारी किताब में एनसीईआरटी पेज 77 में दिया है, हाँ क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर 3 है, ख़त्म हो गया बच्चा जो पूछ रहा है ना, कौन चैप्टर है, चैप्टर 3 है, ख़त्म हो गया। पहला क्या है इसमें टॉपिक आपके काम का, कह रहा कि एक तल में एक वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए तो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है तथा एक ऊर्ध्वाधर होती है। अरे चचा या इन्हीं के बारे में तो ये बात कर रहे हैं, नहीं बना दूंगा, ये पुरानी हो गई, किसी पट्टी हटाओ इसे, रुको पहले मुझे बताओ क्षैतिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि जमाना इंग्लिश का है। हाँ हाउ आर यू एंड What are you doing के आगे भी इंग्लिश बोलना सीख लो, हम भी कोशिश करेंगे लाइफ में सीख लेंगे, अब समझ रहे हो ना, रुको जाना नहीं। चिमचा बोलते हैं नालायक, ऐसे ऐसे हैं इनको मैं क्या कहूँ, चिमचा नहीं बोलते उसको, खोईटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खोईटा बोलते हैं, दांत में चपट जाता है ना, दांत टूट जाता है उसके साथ में, लेकिन वो दांत से निकलता नहीं है। पहले जब हम लोग छोटे थे ना, नाना के यहाँ जाते थे,
मतलब इतनी मजेदार बात है तुम लोग से बताऊं, बहुत हंसोगे। हम लोग छोटे छोटे थे, रात में 12-1 बजे वो बनता था गुड़ भाई, बैल रहते थे, तो पहले सुन लो मेरी अंदर की आत्मा की आवाज़ है, सुन लो। तो उनको घुमा घुमा के क्या करते थे, मतलब ये मुसीबत आ गई यार, एक से एक परेशान करके रख दिए मुझे। अभी बताते हैं, रुको 1 मिनट भाई, रुक जाओ। इतनी अच्छी कहानी बता रहे थे ये, इसको देखो मैं समझा देता हूँ आज। मिस्टर पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब ना किया करो, ठीक है? हाँ हाँ तो सुनो पहले, कहानी बाद में बताऊंगा, ये डिस्टर्ब कर दिया ना लायक, जाने दो, कहानी बाद में बताऊंगा, पहले इधर सुनो। मतलब वाला मूड खराब कर दिया, जाने दो। हाँ तो पहला लाइन क्या कह रहा था, कह रहा था कि एक तल में वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। तो इसी लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है जो मैंने खींचा है, ये बच्चा क्षैतिज है, ये क्या है, ये क्षैतिज है जिसे हॉरिजेंटल बोलते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर है, इधर को क्या है, ये ऊर्ध्वाधर है, मतलब जिसे लंबवत भी बोलते हैं, समझ रहे हो? ऊर्ध्वाधर बड़ा खतरनाक लिखा जाता है, मुझे आता थोड़ा कम है, ऐसे कुछ लिखते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना ऊर्ध्वाधर, ये ठीक है, आया समझ में? दूसरा पॉइंट क्या, वो भी सुन लो, अभी कहानी बताऊंगा मैं जरूर, बिना कहानी बताए मैं जाऊंगा नहीं, चाहे 10 लोग सुनेंगे, जाना नहीं, अभी वो कहानी सुनाऊंगा जरूर, सुनो। कौन नालायक इधर आएगा, बारिश भी होने लगी मुझे लग रहा है। अगला कह रहा, तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है, रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, समझ रहे हो चाचा? तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ ऐसे पढ़ते हैं, देखो कुछ नाम गाम तो पता होना चाहिए ना, जैसे मैंने कहा कि भैया 2,5 को अब हमारी आत्मा अंदर से कह रही कि इसमें दिखाना है, लेकिन इसका नाम क्या है, क्या ये बोलोगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा पे दिखाओ? हाँ अगर ऐसे बोलोगे तो कौन ऐसे बना के दिखा देगा, तो हम नाम जान जाएंगे तो समझ जाएंगे। ये पूरी जो बाउंड्री घेरा है ना, ये पूरा क्या है, कार्तीय तल है, कार्तीय तल या निर्देशांक तल है, पूरी जितनी कहानी हो रही है, बात समझ में आ रहा है? यानी हम कह सकते हैं 2,5 को कार्तीय तल में दिखाइए, तो कार्तीय तल ये पूरी जितनी कहानी होती है कार्तीय तल है, या इसे निर्देशांक तल भी कहा जाता है। अगला है, क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है, क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष यानी ये जो ऐसे जा रही है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज नहीं बता रही है चाचा, कि इसके आगे वाली को तो यक्ष अक्ष कहते हैं, पीछे की पूछ को यक्ष डैश अक्ष कहते हैं, वैसे ऊपर को वाई अक्ष कहते हैं, नीचे इनकी जो ग्राउंड वाला है ना उसे वाई डैश कहते हैं, ठीक है? अनन्या झा प्लेलिस्ट में है, देख लो बाबू, ठीक है? इसके पीछे का वीडियो प्लेलिस्ट में है, 32 वीडियो है, ये 33 नंबर क्लास है, देख लेना अगर तो बेहतर समझ में आएगा। अगला क्या है, ये भी समझ लो, निर्देशांक अक्ष को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है, पहले भी तुम्हें बताया हूं, पहला चतुर्थांश, दूसरका, तीसरका, चौथा ना, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अरे ए चचा, मूल बिंदु यही है कि जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे पे सट रही, वही क्या है, मूल बिंदु है, जिसे ओरिजिन बोलते हैं इंग्लिश में। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका यक्ष निर्देशांक या भुज कहा जाता है, साथ ही यक्ष अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो ना,
वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका यक्स निर्देशांक कहा जाता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि चाचा हो इसी में बताए दो 2.5 में, इसमें वाई अक्ष का निर्देशांक कौन होगा बताओ। ए हाय बाय नहीं, पहले उत्तर बताओ, इधर बताओ, इसमें वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? 2.5 में वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? अब इसमें भी सर मार रहे हो तो मैं क्या करूं? पानी बरस रहा है बहुत तेज से, पता नहीं कौन हरामखोर हंस रहा है। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब्जी नहीं लाया आज, दूध भी नहीं आया होगा, हैं कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, बारिश में रात में भीगना आसान नहीं है क्योंकि तबीयत पहले से जवाब दे रही है। 2 बार भीगा हूँ नालायकों के साथ में, तीसरी बार नहीं। मैंने कुछ पूछा था तुमसे, हाँ मैंने पूछा था वाई एच का निर्देशांक। देखो बेटा ये यक्स का है, ये वाई का है, ये तो सही है, लेकिन वाई अक्ष का निर्देशांक पूछेंगे तो यक्स का मान होगा। जो 5 बता रहा सबका गलत है, जितना 5 बताया सबका गलत है। अभी अभी मैं तुमसे बोला ना कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका यक्स निर्देशांक कहते हैं। हाँ एक मिनट फिर से समझ लेने दो, मुझे भी तुम भी समझ लो। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, यानी वाई अक्ष कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से किसी बिंदु की दूरी को उसका यक्स निर्देशांक कहते हैं, यानी इधर जितना बढ़ेगा जिस टाइप में, समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया? ये थोड़ा सा उल्टा टाइप का है ना, एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जब तक समझ नहीं जाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे इसे, फिर से समझ लो, ये समझने वाला है, थोड़ा उल्टा है, एक बार समझ लो, थोड़ा उल्टा है ये, समझ लो फिर से। कह रहा वाई अच्छे से किसी बिंदु की दूरी को उसका यक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन? यक्स निर्देशांक पूछा था ना, और यक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है, यानी उसका उल्टा लिखा जाता है, बस तुम इतना जान लो। अगर यक्स निर्देशांक पूछा जाए तो वाई वाले स्थान का मान उसका उत्तर होगा, समझ रहे हो? अगर वाई निर्देशांक पूछा जाए तो यक्स वाले स्थान का उसका मान, समझ रहे हो ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं तो चल ही नहीं रहा, इसके कौन बीमारी आ गई। यक्ष निर्देशांक पूछा जाएगा तो ये 2 होगा, सॉरी 2 नहीं 5 होगा। अगर वाई निर्देशांक पूछा जाएगा तो 2 होगा, समझ में आया? उसका जस्ट उल्टा होता है। Call me dad, इंग्लिश में भी बोलिए। ए बेटा डैड तुम यहाँ से निकल लो, तो निकल लो यहाँ से। चलो आगे सुनो, यदि एक बिंदु का भुज यक्स हो और कोटि वाई हो तो यक्स वाई को बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं ना, हाँ अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, 3 है 5 है, हाँ 7 है 6 है, जो भी है, इसे बोलते क्या है, इसे क्या बोलते हैं? इसे निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। समझ में आया ना? आगे देखो, आगे कह रहा है यक्ष अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक यक्ष कामा 0 के रूप में होते हैं और वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। हाँ एक चीज यहाँ समझ लो, थके हुए लग रहे हैं, वो तो हम नहीं थके, शरीर थकी है। देखो इधर, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसी पे मैं ख़त्म भी करूँगा। जो मूल बिंदु का निर्देशांक है
वो हमेशा 0-0 होता है, याद रखना। बस ये पूछा भी जा सकता है आपकी परीक्षाओं में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0,0 क्या है, 0,0 है, ठीक है बच्चा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ऑरिजिन का निर्देशांक 0,0 होता है। आप ऐसे समझ लो कोई इंसान चाहे बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे बहुत बड़ा नेता बन जाए, बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, पहले वो 0 ही होता है, उसके बाद ही कुछ बनता है, समझ रहे हो ना। ये मैं अपने आपके भौतिक जीवन से संबंधित करके बता रहा हूँ। बाकी यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब ये है कि एक ऐसे चौराहा है, यहीं से चारों तरफ को रास्ता गई है, एक ठी इधर को गई है, एक ठी इधर को गई है, एक ठी इधर को गई, एक ठी इधर को गई है, लेकिन इन सब की शुरुआत यहीं से होती है, तो इस पर ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे कहते हैं घर की मुर्गी साग बराबर या दाल बराबर, पता नहीं क्या सही है, हाँ समझ रहे हो ना भाई। इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट वर्ड बोल तो रहा हूँ, जैसे मूल बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं, हाँ इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हाँ कोऑर्डिनेट बोलते हैं निर्देशांक को, हाँ निर्देशांक ज्यामिति को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, और इसमें कौन सा मूल पॉइंट है ये है, समझ में आया। तो यही सब बातें थी छोटी मोटी, आप लोग पढ़ गए, चैप्टर हो गया खत्म, निर्देशांक ज्यामिति। इससे ज़्यादा पढ़ना है लंबा चौड़ा तो कक्षा 10 में पढ़ना पड़ेगा बच्चा। साइंस की क्लास 2:00 से चल रही है, आप लोग दुआ करिए अगर तबीयत वगैरह ठीक रही तो 3:00 से रोज़ आपको साइंस का क्लास मिलेगा, पक्का मिलेगा, डोंट वरी। हाँ और PDF फाइल बहुत जल्दी मिल जाएगा, बड़ा आलसी टाइप का हो गया हूँ मैं, लिखना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, हाँ लेकिन थोड़ा टाइम लग जा रहा है। करण मीना काहे कोई कुत्ता बिल्ली भेज रहा है भाई, हाँ चलो फिर बंद करा जाए। अनीता किशोर, बेसिक मैथ इजी है या स्टैंडर्ड, ये तुम्हारा सवाल ही नहीं समझ में आ रहा मुझे, तुम्हें क्या कहूँ। देखो जो बच्चे क्लास टाइम पे नहीं देख पाते हैं वो बाद में भी देख सकते हैं ना भाई, क्लास तो रहता है ना, हाँ क्लास तो चैनल पे पड़ा रहता है, आप देख सकते हो बाद में भी, ठीक है समझ रहे हो ना। हाँ तो सभी साथी से बस एक ही आग्रह होगी, रिक्वेस्ट होगा, निवेदन होगा कि आप लोग क्लास को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके और वो पढ़ सकें, ठीक है भैया। दीपू यादव, आयुष, शोभा, अंशिका सरोज, रोशन, ज्योति सिंगरौल, आराधना, दृष्टि सोनकर, अभिषेक कुमार और दयान अहमद, विपिन कुमार, चलो ठीक है फिर बंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 9 से देखो बेसिक मैथ का कुछ मिल जाए तो अच्छा है, वैसे तबीयत बहुत अच्छी नहीं है तो कंफर्म नहीं है कि रात 9 क्लास चलेगी, लेकिन चलना चाहिए वैसे। बारिश वारिश भी हो रही है, अभी देखो हमारे दोस्त इसीलिए आए थे बुलाने कि भैया सामान लाना है, आप चलोगे या ना चलोगे या कहाँ से कैसे क्या करना है वो पूछने आए थे, लेकिन क्लास चल रही थी मैंने भगा दिया क्योंकि मेरे दिमाग में चिमटा खुमटा वाली बात थी, कहानी भी नहीं बताया उसी वजह से, देखो भूल गया ना, जाने दो कभी बताऊँगा बाद में कहानी, छोड़ो। आप लोग फटाफट सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दो बाबू, ठीक है, फटाफट लाइक और शेयर कर दो, अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा। वैसे क्लास 9th का मैथ हर शाम 7 से, साइंस 3 से, बेसिक मैथ रात के 9 से होता है, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, जब तक दम में दम है, हाँ रात 9 मिलेगा कुछ ना कुछ। बाकी कक्षा 10 का गणित 2:00 से, कक्षा 10 का गणित दोपहर